हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एकलव्य टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के डिस्कशन के लिए हम लोग ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं डिस्कशन। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं, देखिए टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको बताऊं तो दो आपको टेस्ट सीरीज चल रहे हैं गुरुकुल में। एक आपको ये जो टॉपिक टेस्ट है, देख रहे हैं, एक जो चल रहा है वो टॉपिक टेस्ट है, और दूसरा जो आपको फुल सिलेबस टेस्ट है। आपको पता होगा स्केड्यूल भी, एक संडे को आपको टॉपिक और नेक्स्ट संडे को मतलब अगले वाले पे आपको फुल सिलेबस मिलेगा, मतलब अल्टरनेट पे टॉपिक, अल्टरनेट पे फुल सिलेबस। ठीक, तो इससे क्या रहेगा, फ्रेशर और रिपीटर्स दोनों को इक्वल वेटेज टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। ठीक है, अदर ये भी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि इनको टॉपिक देना है, इनको फुल सिलेबस देना है, दोनों लोगों को दोनों देना है या दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर कोई फ्रेशर है वो फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्टिंग से देना चाहता है तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, पिछले साल आपको याद भी होगा जो पुराने स्टूडेंट हैं, या वो पुराने स्टूडेंट जो इस बार फिर से जुड़े हुए हैं और किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली कुछ नंबरों से उनका रुक गया है, तो पहली बात तो ये कि यार जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हम आपको बताएं। हो सकता है कि आपको देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, अयोध्या ये सब कॉलेजेस मिलते, ठीक, एक साल लेट हम लोग के जी, BHU, AMU, दिल्ली, मुंबई, जयपुर ये सब कॉलेजेस जब उठाएंगे एक साल बाद हम लोग जा रहे हैं, बेहतर करेंगे। ठीक है, और जो एक साल हमारा बर्बाद हो रहा है उसको हम लोग कहीं ना कहीं से वो जो गैप आ रहा है उसको फुलफिल करेंगे हम लोग बेहतर कॉलेज में जाके। ठीक, अब अगली बात मैं आपको बताऊं, जैसा पिछले साल हम लोगों ने 30,000 क्वेश्चन डिलीवर किया था, पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरह से इस बार और भी बेहतर तरीके से थोड़ा सा हम लोग टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि पिछली बार ये होता था कि आपको क्लासरूम में जो डाउट रहते थे वो बताया जाता था, इस बार क्या होगा मैं बताऊं आपको, बायोलॉजी का मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आपको NCERT का पेज नंबर मैं बताऊंगा, आपको पैरा मैं बताऊंगा, और आपको मैं बताऊंगा कि वो लाइन कौन सी उठाई है मैंने, कहां से वो क्वेश्चन आपको दिया गया। क्लियर बात है, आप बिल्कुल सिर्फ इतना करें, एक सादा पेज लेके बैठें, एक NCERT की बुक, और आपको पता है एनिमल किंगडम, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट दोनों फर्स्ट NCERT यानी कि 11th वाली NCERT के चैप्टर्स हैं, एनिमल किंगडम और ट्रांसपोर्ट प्लांट, तो एक आप NCERT आप लेके बैठ जाओ और बगल में एक सादा पेज या कोई कॉपी हो वो लेकर बैठ जाए, बस इतनी ही जरूरत है। मैं आपको पेज नंबर बताता जा रहा हूं, आप मार्क करें पेज नंबर, ठीक है, पैरा NCERT में, और वो देखें कि कहां कहां से। और एक बात और, अगर सही है ठीक है, नहीं है सही तो उसको कहीं पे प्लीज मेंशन करें, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, देखें क्या है, पेपर डिस्कशन, और ये किसका डिस्कशन होना है, टेस्ट का। और टेस्ट का मतलब क्या होता है, टेस्ट का मतलब अगर हिंदी में बोलू ना तो इसका मतलब होता है जांच, मतलब आप अपने आप को जांच रहे हो, आप ये जांच रहे हैं कि ये जो दो चैप्टर मुझे क्लास में पढ़ाए गए हैं उसमें कहां कमी रह गई है मेरे में, ठीक है, और उन्हीं कमियों को बस नोट करना है। क्योंकि एक बात मैं बताऊं, जो आप गलत कर रहे हो ना वही गलत आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी होंगे, जो सही हो रहा है ना वो सही होगा, वो सही होगा, हमेशा सही होगा, जो गलत हो रहा है वही गलत होगा। तो बस अपनी गलतियों को आप नोट कर लें कहीं पे, और जब हर 10-15 दिन पे एक बार उन गलतियों को रिवाइज कर लिया करेंगे। बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारा इस तरीके से इस बार तैयार करिया कि हम लोग 720 में 720 के लिए प्रिपेयर हो जाएं। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, कोई आसमान से उतर के नहीं आता है जो टॉप करता है, ठीक है, आप ही लोगों के बीच का कोई हो सकता है, आप हो सकते हैं, आपके बगल में बैठने वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आइए, बहुत ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए
पेपर को हम लोग डिस्कस करते हैं, आंसर मैं बता दूं। अच्छा देखो, बायो है तो मैं ऐसे भी बोल सकता था कि यार डिस्कस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, बायो में क्या जरूरत है, अपने आप से तुम कर लो। लेकिन बस ये बातें हैं ना कि देखो, इसी बहाने आप कर लोगे, इसी बहाने आपकी ये चीजें तैयार हो जाएंगी। नहीं तो मैं बताऊं, देखो यार सच्चाई तो ये है ना कि पढ़ने का मन किसी को नहीं करता है, नहीं मन करता पढ़ने का, ठीक। बस कुछ मजबूरियां हैं, हम कर रहे हैं, सपने हैं जिनको पूरा करना है, वो चाहे फैमिली वालों का प्रेशर हो, हमारे सपनों का प्रेशर हो हमारे ऊपर, ठीक है ना, हम थोड़े से एम्बिशियस हैं, बड़ी बड़ी चीजें हमारी लाइफ में हमें करना है, तो उन सारी चीजों के लिए चलिए, तो वो सब आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ठीक, मतलब करना क्या पड़ेगा, करना ही है। आप ये नहीं कर सकते कि चलो यार टेस्ट दे के आए, पेपर हमने किनारे फेंका, और तो मैं बता दूं आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा तो रैंक खराब आ जाएगी। आप प्लीज खाना पीना आधे घंटे के लिए रोक दें। पहले मैं क्लासरूम में भी बोलता हूं ना कि टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप टेस्ट दे के आने के बाद आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं किए कि हमने सही कितना किया, हमने गलत कितना किया, ठीक है ना। तो प्लीज प्रॉपर एकदम छोटे बच्चे हो जाओ, आप पहले अपने आप को जज करें कि क्या क्या गलत हुआ है। कितना टाइम लग जाएगा यार, एक डेढ़ घंटे लग जाएंगे सारा कुछ करने में, तीनों मिलाने में, और उसके बाद जब मिला लिया तो फेंको किनारे पेपर, जाओ खाओ पियो, फिर एक दो घंटे बाद जब रिलैक्स होकर आओ तो बैठो कि देखो कि गलत कहां से हुआ है, नोट्स में है कि नहीं है, एनसीईआरटी में है कि नहीं है, और अगर है तो हमसे गलत कैसे हो गया, और गलत हो गया तो उसको कॉपी पर नोट कर लें। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है टॉपर बनने का, और हम लोग टॉपर बनेंगे, ठीक है ना यार। तो चलें हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये आपका टेस्ट पेपर है हमारे हाथ में, ये टेस्ट पेपर है, और मैं आपको पेज नंबर एनसीईआरटी का बता, देखो एनसीईआरटी का वो पैरा भी मैं दिखा सकता था यहां पे, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग जो है ना मैच्योर इतने नहीं है, उनको नहीं समझ में आएगा, उनको नहीं समझ में आएगा कि यार यहाँ पे मैं एनसीईआरटी दिखा दूंगा, वो क्या करेंगे वहीं से कहीं नोट कर लेंगे आंसर में, पेपर में, टेस्ट में, कहीं पे भी एक सादे पेज पे। वो इसी वजह से मैं यहाँ पे वो एनसीईआरटी का पैरा स्कैन करके नहीं दिखा रहा हूं, वो आपको करना है खुद से, मैं बता रहा हूं, थोड़ा आप भी करिए थोड़ा मैं भी करूं। एनसीईआरटी खुद खोल के बैठे, मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूं, मैं लाइन आपको बता रहा हूं, ठीक ना यार। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखें पहला क्वेश्चन है आपका बायो का पहला, सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बिलोंगिंग टू स्पॉन्जेस, ठीक है। अब जो मैंने स्पॉन्ज बोला आपको समझ में आ गया कि ये बात तो यार तुम पूरी फेरा की करने वाले हो, पता चल गया, तो तुरंत पूरी फेरा आप खोल दीजिए, और पूरी फेरा आपको मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 49 पे। बोलिए अब पूरी फेरा में आप जब जाएंगे तो आप देखिएगा, आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप ढूंढेंगे तो, अब देखिए ये टेस्ट पेपर है, मैं आपको बताऊं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये देखें मैं थोड़ा सा आपको साथ में बताता भी चलूं, देखें अगर ये वाली लाइंस की मैं बात कर रहा हूं, इस लाइन की सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो पेज नंबर है, आप नोट करते रहे मैं बताता रहा हूं, ये क्वेश्चन है 49 पेज से, और एनसीईआरटी आपको पता ही है एनसीईआरटी 11th वाली पेज 49, ये है फोर्थ लाइन, और वो पूरी फेरा में, पूरी फेरा में जब जहां हेडिंग पूरी फेरा पड़ा हुआ वहां देख लो फोर्थ लाइन है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है बॉडी सपोर्टेड बाय एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स आर स्पॉन्ज इन फाइबर, जरा देख लें, ये बॉडी सपोर्टेड बाय एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स आर स्पॉन्ज इन फाइबर, ये उसी पूरी फेरा में नीचे से आठवीं लाइन है, तो ये आप देख लें, ये जो है सेकेंड वाला वो नीचे से आठवीं लाइन उसी में, तो नीचे से आठवीं लाइन, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल में सीखें,
या ऐसे ही सीखना ही हमें एकदम बिल्कुल जमीन पे बैठ के, बहुत ज्यादा वो नहीं करना है कि हमें आता है आता है आता है, कुछ नहीं आता है। आप सेलेक्ट हो जाओगे तो तेज हो, नहीं सेलेक्ट हुए आपको कितना भी आता हो दुनिया वाले आपको फेलियर ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप एकदम अपने आप को डाउन टू अर्थ माने, जब आप 720 में 720 ले आइएगा ना तो बताइएगा कि हाँ हम तेज हैं। अभी आप सीखें तो नीचे से आठवें लाइन, उसके बाद देखें लार्वा, लार्वल स्टेज इज मार्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, यहाँ लार्वा लिखा हुआ है, लार्वल स्टेज माने लार्वा स्टेज इज मार्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। अब मैं आपको बता दूं, बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पढ़ना, बिल्कुल लास्ट वाली लाइन उसी पोरी फेरा में एकदम लास्ट वाली, ये जो थर्ड है, थर्ड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो लास्ट लाइन है उसी पोरी फेरा के, वहां पे डिफरेंट की जगह डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में आप पढ़िएगा डिस्टिंक्ट लिखा हुआ, तो बिल्कुल यही लाइन। तो देखो एक लाइन दो लाइन तीन लाइन तीनों मिल जाएगा। चौथा देख लो, पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन गैदरिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, इट इज एन हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये चौथा और ये पांचवा, ये दोनों आपको एनसीईआरटी उसी पैरा में मिल जाएंगे पेज नंबर 49 पे, ठीक है ना। बस ये वाला जो है देसो पावर ऑफ रीजनरेशन, ये मैंने आपको अलग से बता दिया है, जो आपको क्लियर कट मेंशन नहीं किया है एनसीईआरटी ने, लेकिन आपको मैं बताऊं, आप जब आप पढ़ोगे इस वाले में देसो पावर ऑफ रीजनरेशन, तो यहां पे एक सेल आएगी जो स्पॉन्ज में आप पढ़ते हो, आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट में जो स्पॉन्ज की सेल है आर्कियोसाइट, ये आर्कियोसाइट में पावर ऑफ रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, पावर ऑफ रीजनरेशन। तो देखो पूछा क्या है, सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बिलोंगिंग टू स्पॉन्ज, देखो इसमें से कितने स्टेटमेंट हैं जो बिलोंग कर रहे हैं स्पॉन्ज से। तो देखो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐतराज ही नहीं, बात सही है, ये भी बात सही है, बॉडी सपोर्टेड बाय एंडोस्केलेटन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा कि सारे के सारे सही हैं, छह पूरे स्टेटमेंट है और छह के छह सही हैं, ए में 5 बी में 6, तो बी वाला आंसर जाएगा, 6 वाला, क्लियर। ये पहला क्वेश्चन, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूं, टीनो फोर्स आर कॉमनली नोन एज, अरे यार जहां टीनो फोर्स लिखा हुआ है किस पे, पेज नंबर अगर आप जाओगे 451 पे, तो यहां अगर मैं बात कर रहा हूं पेज 51 पे टीनो फोर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये आप जब जाओगे टीनो फोर्स में ऊपर की ही लाइन पढ़ लेना, टीनो फोर्स में ऊपर की ही लाइन पढ़ लेना, सी वॉलनट कॉम जेली दोनों बोलते हैं, आंसर जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक, आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल पहली लाइन से। तो दोनों आपको क्वेश्चन जो मिले हैं दोनों एनसीईआरटी की लाइन से मिली, ठीक, कुछ भी आपको अंतर नहीं मिला। अब देखो ये तीसरा, सेसाइल सिलिंड्रिकल फॉर्म ऑफ सिलिंड्रेट रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, अब देखो सेसाइल है और सिलिंड्रिकल फॉर्म है, आपको पता है कि सिलिंड्रेट जो होते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं सिलेंट्रेट की, तो सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स दो फॉर्म में पाया जाता है, एक पॉलिप और एक मेडुसा। देखो पॉलिप जो होता है वो सेसाइल होगा और मेडुसा जो है वो फ्री स्विमिंग स्टेज है। सिलेंट्रेट की लाइफ में दो स्टेज आते हैं, एक होगा सेसाइल और एक होगा फ्री स्विमिंग। पॉलिप जो होता है वो सिलिंड्रिकल होगा और मेडुसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप होगा, ये अम्ब्रेला और ये सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल, ठीक है ना। तो सेसाइल और सिलिंड्रिकल फॉर्म ही पूछा हुआ है, तो आंसर क्या चला जाएगा, ये आंसर चला जाएगा इसका पॉलिप। तो देखो इसका पॉलिप चला गया, मैं आपको पेज नंबर बता दूं, पेज नंबर है इसका 50, ठीक है, पेज नंबर 50 पे आप जाके सिलिंड्रेट्स वहां पे हेडिंग है, और बिल्कुल नीचे के साइड चले जाना, बिल्कुल नीचे के साइड जहां एग्जाम्पल है ना उसी के दो तीन लाइन ऊपर जहां ओबेलिया मेटाजिनेसिस ये सब दिया हुआ है, वहीं जाके आप ढूंढ लेना, वहां आपको ये सारी बातें मिल जाएंगे। क्लियर हो गई ना यार। तो ये मैंने आपको तीन क्वेश्चन बता दिया, अब अगला देखो,
पॉलिप एसेक्सुअली मेडुसा बनाएगा, जबकि मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप बनाएगा। द एबव साइकिल इज शोन बाय। अब देखो बात मैं बता दूं, पॉलिप से मेडुसा और फिर मेडुसा से पॉलिप, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों स्टेज पाए जा रहे हैं। समझ रहे हो बात? दोनों स्टेज पाए जा रहे हैं, पॉलिप भी और मेडुसा भी। पॉलिप से देखो मेडुसा बना, मेडुसा से पॉलिप बना। बात समझ में आ रहा है? तो अब आपको यह पता करना है कि आखिर ऐसा क्या है, किसमें किसमें दोनों स्टेज पाई जाती है। और आपको पता होगा ओबेलिया, ये देखो, ये अगर मैं बात कर रहा हूं ओबेलिया की, तो यहां देखो ये ओबेलिया है जिसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों पाया जाता है, पॉलिप से मेडुसा और फिर मेडुसा से पॉलिप बनता रहता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि यहां पे मेटाजिनेसिस भी होता है, यही बोलते हैं, मतलब पॉलिप का मेडुसा में कन्वर्ट होना और मेडुसा का पॉलिप में, ठीक है। बाकी आप हाइड्रा की बात कर लो, पॉलिप है, ऑरेलिया है, आप जान रहे हो। तो आपको ये सारी चीजें नहीं, केवल आपको ओबेलिया पे ध्यान देना था यहाँ पे, क्योंकि वो क्या कह रहा है, एबव साइकिल इज शोन बाय। एबव साइकिल का मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप बन रहा है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में पॉलिप भी हो और मेडुसा भी हो। क्योंकि अगर मैं बात करूं हाइड्रा की तो वो पॉलिप वाला है, ठीक है। तो इस तरीके की अगर ये सारे ऑर्गेनिज्म देखें तो या तो ये पॉलिप है या मेडुसा है। लेकिन ओबेलिया की मैं बात करूं तो ओबेलिया की लाइफ साइकिल में पॉलिप भी आता है और मेडुसा भी आता है, ठीक। तो दोनों वाला ये पूछ रहा था, ओबेलिया आंसर चला जाएगा, 104 का सी जाएगा। और ये है पेज नंबर 50, यहां मैंने मेटाजिनेसिस आपको बता दिया, आप जाकर ढूंढ लीजिएगा, वहां मिलेगा पेज नंबर 50। अब आपको समझ में आ रहा है कि पेज नंबर और आपको लाइंस बताने से क्या फायदा हो रहा है, ये ना, ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिक्स होता जा रहा है। इसी वजह से मैं पेज नंबर आपको बताता जा रहा हूँ एनसीईआरटी का हर क्वेश्चंस के साथ, और आपको पैरा भी बताता चल रहा हूँ कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जैसे मेटाजिनेसिस आप जाके ढूंढिएगा, आप जाके ओबेलिया ढूंढिएगा, जहां एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स में लिखा हुआ ना, जस्ट ऊपर वाली दो लाइन आप पढ़ लीजिएगा, आपको ओबेलिया मिल जाएगा मेटाजिनेसिस वाला। तो पेज नंबर 50 आंसर जाएगा ओबेलिया, ठीक है, ये सब। अब अगला देखो, आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, आप देख लें। आपको पता है इनमें सबका दूसरा नाम, सबका दूसरा नाम आपको पता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आप देखो, फाइसेलिया पार्टुगीज मैन ऑफ वार, या ऑफ होना चाहिए, तो ए का फाइव, अब आप ढूंढे ए का फाइव, अरे ए का फाइव तो सारे में है, चलो कोई बात नहीं। एडेम्सिया, ये वाला, अब अगर मैं बात कर रहा हूं एडेम्सिया की, तो एडेम्सिया ये आपको पता है कि एडेम्सिया जाएगा आपके सी एनिमोन के साथ। तो अब देखें बिफोर, अरे बिफोर भी ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब अगला नेटुला, नेटुला आपको पता है क्या है, नेटुला सी पेन है, तो आपको मिल जाएगा सी का थ्री। तो देखो ए का आपको क्या मिल गया, ए का मिल गया आपको, ए का मिल गया फाइव, बी का मिल गया फोर, सी का मिल गया थ्री, गार्गोनिया आपको पता ही है सी फैन होता है, डी का मिल गया टू, ई का मिल गया मेंड्राइना ब्रेन कोरल होता है, तो ई का वन मिल गया, और फिर एक ही बच गया ऑरेलिया, ये जेलीफिश, तो ये हो गया सिक्स। अब देखो ए का फाइव बी का फोर, ए का फाइव बी का फोर, अरे ये तो तीनों में मिल गया, चलो ठीक है। सी का थ्री, सी का थ्री ये एक मिल रहा है, तो आंसर बी होना चाहिए, ठीक है, इसका बी होगा। अब आप जाएं इसको और आप वहीं चेक कर लीजिएगा पेज नंबर 50 पे, केवल एग्जांपल है, पेज नंबर 50 एनसीईआरटी फर्स्ट, एनसीईआरटी फर्स्ट। अब ये एनसीईआरटी फर्स्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये आप पहले से जानते हो कि हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और वो एनसीईआरटी फर्स्ट का है, यानी कि 11th वाले का है, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर 105 का बी। अब आ जाओ अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन प्लेटी हेलमिंथिस, कोई दिक्कत ही नहीं है प्लेटी हेलमिंथिस। अगर आप प्लेटी हेलमिंथिस में चले जाओ तो मैं आपको बता दूं पेज नंबर 51 पे, पेज नंबर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 51,
वहीं आप चले जाए प्लेटी एलमेंथीज में और सारी लाइन आप ढूंढ लीजिएगा। आपको एक जगह प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, एक तो ये देखें इनकम्प्लीट वाले वर्ड्स विदाउट एनस, तो ये आपको एक्स्ट्रा आप मार्क कर लेंगे वहीं पे, आप लिख लीजिएगा प्लेटी एलमेंथीज। अरे आप जानते हो यार टीनिया टेपवर्म, ठीक है, उन लोगों में इनकम्प्लीट विदाउट एनस, या सोलेनोसाइट, फ्लेम सेल का ही दूसरा नाम है सोलेनोसाइट, और ये एक फ्लैजिलेटेड सेल होती है, फ्लैजिलेटेड सेल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, बाकी आपको सारी लाइंस मिल जाएंगी, सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट ब्रांच एंड विदाउट एनस, ठीक है। फ्लेम सेल का दूसरा नाम है सोलेनोसाइट, ये फ्लैजिलेटेड सेल होती है, हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, फ्लेम सेल लिखा हुआ है, सोलेनोसाइट आपको नहीं मिलेगा। हुक्स एंड सकर, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होते हैं आप जानते हो, सेक्सेस सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, ठीक, तो ये सब आपको वहां पे मिलेगा। अब देखो आंसर क्या जाएगा, पेज नंबर 51 पे जाओगे तो सम एब्जॉर्ब, अब आप क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, आप याद करो टेप वर्म, टेप वर्म आपको पता होगा ना, टेप वर्म ह्यूमन में, पोर्क में, और टीनिया सेजिनेटा भी पाया जाता है जो बीफ में पाया जाता है, तो ये सब। तो देखो अगर मैं बात करूं सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, तो ये एंडोपैरासाइट होते हैं ये, तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, फ्लेम सेल एनसीईआरटी की लाइन है, सही है, ये लाइन एनसीईआरटी की है, देखो एन मैं लिखता जा रहा हूं, ये यहां पे एन, केवल सोलेनोसाइट मैंने अलग से बताया, ये लाइन एनसीईआरटी की, ये लाइन एनसीईआरटी की, ये लाइन एनसीईआरटी की, ये लाइन एनसीईआरटी की, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सात स्टेटमेंट है और सातों के सातों सही है, बस ये थोड़ा सा आपको मैंने एक्स्ट्रा बता दिया सातों, तो आंसर क्या जाएगा 106 का डी जाएगा, ऑल ऑफ दिस पेज नंबर 51 पे है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन 107, हाउ मेनी स्पीसीज नेम्ड ऑन अर्थ इज आर्थ्रोपोडा, बहुत आसान है और आपको याद भी होगा, सेकंड लाइन ही है जहां पे फाइलम आर्थ्रोपोडा है, पेज नंबर 53, ठीक है ना। आप देखें अगर मैं बात कर रहा हूं तो पेज नंबर 53 फाइलम आर्थ्रोपोडा लिखा होगा, सेकंड लाइन ही पढ़ लेना, सेकंड लाइन 2/3 वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 2/3 अगर लिखा हुआ है तो देखो ये आंसर डायरेक्ट है लाइन से, कोई इसमें बहुत जरूरत है नहीं ध्यान देने की, ठीक। तो ये 107 नंबर का आंसर इसका क्या जाएगा, बी, आंसर इसका बी चला जाएगा, मैं आपको बता दूं, तो देखिएगा इसका आंसर जाएगा बी। तो हाउ मेनी स्पीसीज नेम्ड ऑन अर्थ इज आर्थ्रोपोडा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, और मैंने आपसे बताया था कि ये जो है आप देखें अगर मैं बात करूं तो ये सेकेंडरी लाइन है यार, तो इसका आंसर चला जाएगा क्या, ये 2/3, ठीक। तो ये पेज नंबर कितना मैंने बताया, पेज नंबर 53 एनसीईआरटी का, पेज 53 एनसीईआरटी का सेकेंडरी लाइन है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। चलिए ये बातें मैंने बता दी आपको, उसके बाद सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ यूजफुल इंसेक्ट, थोड़ा ध्यान देना है यार, ये यूजफुल इंसेक्ट, कुछ ध्यान ही नहीं देना भाई, केवल आप एनसीईआरटी के फाइलम आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल में चले जाओ, एपीस आपको पता होगा, हनीबी से फायदा या नुकसान, भर भर के फायदा, हनीबी से भर के फायदा, हनी मिलता है, वैक्स मिलेगा, पॉलिनेशन मैक्सिमम यही करेगी, तो एपीस, बॉम्बिक्स आपको पता है, सिल्कवर्म, अरे सिल्कवर्म कपड़े बनाएगा यार रेशम वाला, लैसिफर लैक इंसेक्ट, बोलो यार लैक इंसेक्ट। अब देखो जिसको आप लोकल लैंग्वेज में लाक वाक कुछ ऐसे बोला जाता है, जो उसमें मेटल वेटल में भरा जाता है ऐसे कुछ, ज्वेलरी वेलरी बनवाते हैं, तो हनी भी, ये आपका बॉम्बिक्स मोराई हो गया जो सिल्कवर्म बोलते हैं, और ये लैक इंसेक्ट हो गया, तो यही तीनों एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ये तीनों आपके लिए क्या है, यूजफुल है, ये उसी पे पेज नंबर 53 पे ही जाके देखना, पेज 53 पे एग्जाम्पल में ये आप देख लेना। अब देखो एनाफिलीज मॉस्किटो है यार, क्यूलेक्स एडीज प्रॉन स्कॉर्पियन लोकस, तो अपनी फसल पर बात करते हैं, लिमुलस किंग क्रैब, ठीक है, लिविंग फॉसिल है, तो ये सब कहां से यूजफुल होंगे यार, तो यूजफुल आपको कितने मिले, एपिस बॉम्बिक्स और लैसिफर, तो एग्जाम्पल क्या आंसर क्या जाएगा, 3।
तो 108 का जाएगा ए 3 पेज नंबर 53 पे। अब आप देखें टाइम लग रहा है सारी चीजें, लेकिन आप ये भी जान लो कि ये पक्का होता जा रहा है। फिर दोबारा अगर ये नीट में क्वेश्चन आ गया तो ये गलत नहीं हुआ, तो एनसीईआरटी लेके बैठे और चीजें बिल्कुल आप बच्चों की तरह सीखते जाएं। 108 उसके बाद विच फाइलम हैज द फॉलोइंग फीचर, डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट, स्ट्रेट आर यूसेफ, वर्म लाइक अनसेगमेंटेड मैरीन एनिमल, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, एक्सक्रीशन बाय सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। आप ये सारी लाइंस जाके पढ़िएगा यूरोकार्डेटा में। कहां पढ़ेंगे? यूरोकार्डेटा पेज नंबर 54, ठीक है, सॉरी प्रोबोसिस ग्लैंड है हेमिकार्डेटा में, मतलब वो यही यूरोकार्डेटा वाला पेज से जस्ट पहले। तो पेज नंबर 54 पे क्या बोल पेज नंबर मैं लिखता जा रहा हूं, बार बार मुझे मार्कर लेना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा पेज नंबर 54 पे, पेज नंबर 54 पे आप जाइएगा, आपके एनसीईआरटी के लेफ्ट हैंड वाले पेज पे मिलेगा आपको, और वहां जाइएगा आप हेमिकार्डेटा। अब आपको पहचानना क्या है इसमें से, देखो डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट, स्ट्रेट यूसेफ ये आपको मिल जाएगा, ये वर्म लाइक अनसेगमेंटेड मैरीन एनिमल मिल जाएगा, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, प्रोबोसिस ग्लैंड आपको मिल जाएगा, और प्रोबोसिस से ही आप इसको पहचान रहे हो, प्रोबोसिस से ही पहचान रहे हो कि ये जो कैरेक्टर पांच आपने दिए हुए हैं वो किसके हैं। अगर बाकी सब नहीं भी याद आ रहा होगा तो आप प्रोबोसिस से याद कर सकते हो कि अच्छा यार ये तो हेमिकार्डेट है, और आपको पता है ना हेमिकार्डेट्स को कार्डेट्स में ही रखे थे पहले, लेकिन अभी इसको सेपरेट हमने फाइलम बना दिया, तो ये हेमिकार्डेट्स का आंसर चला जाएगा 109 का सी। पेज नंबर 54 प्लीज एनसीईआरटी पे मेंशन करते जाएं, देखते जाएं, ठीक ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो 109 के बाद 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ नॉन कार्डेट्स। कितना आसान है क्वेश्चन, कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो नॉन कार्डेट का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है। आपको मैं बता दूं, ये देखिएगा, ये आपका नॉट पूछ रहा है, ध्यान देना है, कौन सा ये नॉन कार्डेट का कैरेक्टर नहीं है, समझ रहे ना, मतलब वो कार्डेटा में जा रहा है। अब आप आ जाओ, मैं आपको बता रहा हूं, ये है एक कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स का कंपैरिजन है, टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में, टेबल बना हुआ है, और पेज नंबर मैं आपको बता दे रहा हूं 55, अरे 54 उधर पीछे वाले पे, तो आपको हेमिकार्डेटा मिल गया था उधर आपके राइट हैंड साइड पे, तो पेज 55 पे आपको मिलेगा टेबल कौन सा 4.1। अब टेबल 4.1 में आपको पता होगा एक कार्डेटा और नॉन कार्डेटा ये दिया हुआ है, तो टेबल 4.1 का आप फोर्थ पॉइंट पढ़िएगा कार्डेट्स का, फोर्थ पॉइंट अगर कार्डेट का पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा हॉट इज वेंट्रल, फोर्थ पॉइंट देखें एनसीईआरटी 11th पेज नंबर 55 टेबल नंबर 4.1 फोर्थ पॉइंट आपको मिलेगा कि हॉट इज वेंट्रल कार्डेटा वाले में। तो ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा है जो नॉन कार्डेट का कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये कैरेक्टर किसका हो गया, कार्डेट्स का हो गया, तो आंसर किसका जाए, ये जाएगा हॉट इज वेंट्रल, क्योंकि ये कार्डेटा का कैरेक्टर है, कार्डेटा का कैरेक्टर है, फोर्थ पॉइंट है ये, उस कंपैरिजन में जाओगे तो पेज 55 टेबल 4.1 में आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन 1110 बता दिया, हार्ट इज वेंट्रल आंसर जा रहा है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, बिल्कुल वही, बिल्कुल सेम टेबल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, वही पेज नंबर 55 टेबल नंबर 4.1, और ये क्या है कॉर्डेट्स कैरेक्टर, वही कंपैरिजन में जहां एक और कॉर्डेट्स और एक और क्या दिया हुआ है, एक और कॉर्डेट्स और एक और नॉन कॉर्डेट्स का दिया हुआ है पेज नंबर 55, और पेज नंबर 55 पे टेबल 4.1 देखिएगा। अब देखो नोटोकार्ड प्रेजेंट कॉर्डेट्स का पूछ रहा है, बिल्कुल बात सही है, सेने डॉर्सल हॉलो सिंगल होगा, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल्सलेट, हार्ट इज वेंट्रल, पोस्टेनल इज प्रेजेंट। आप बोलेंगे कि ये तो सारी बातें सही है, तो सही है, ऑल ऑफ दीज लगाओ, तो 111 का आंसर जाएगा सी, ठीक है, पेज 55 टेबल 4.1 कार्डेट्स के कैरेक्टर है, वही टेबल से है ये, ठीक। तो ये भी हो गया 111,
अब आ जाओ 112 पे, इन विच सब फाइला नोटोकार्ट इज प्रेजेंट इन द टेल ऑफ लार्वा। ओफो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये सबको ऑलमोस्ट याद होगा। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल उसी पेज नंबर पेज नंबर 55 पे, जहां टेबल के नीचे वाले पैरा में, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं, सबको याद रहता है यार ये, तो मतलब हर प्रिपरेशन वाले को याद रहता है। पेज 55 टेबल 4.1 के नीचे वाले पैरा में, नीचे वाले पैरा में, ठीक। अब आप पूरा पैरा आप एक बार अगर एनसीईआरटी खोल के बैठे हुए हो तो आप जल्दी से एक बार पूरा पैरा आप पढ़ जाएं, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यार। अगर मैं बात करूं कि इन विच सब फाइला नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन द टेल ऑफ लार्वा, तो आंसर क्या चला जाएगा, यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा में आपको पता है कि केवल लार्वा के टेल में यह पाया जाता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका चला जाएगा यूरोकार्डेटा। अरे आपको पता होगा यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेट्स, इसके एग्जांपल सब कुछ तो वहीं पे दिया हुआ है, और उसके बाद एकदम नीचे आ जाओगे वर्टिब्रेटा आ जाएगा। तो यूरोकार्डेटा इसका आंसर चला जाएगा। पेज नंबर 55 टेबल 4.1 के नीचे, देखो अभी इसके पहले के दो क्वेश्चन वो टेबल 4.1 से थे दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टेबल के जस्ट नीचे वाले पैरा से है। क्लियर हो गई बात है। तो देखो 112 पे आंसर यूरोकार्डेटा जा रहा है, 112 के बाद 113। नोटोकार्ड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। अब देखो बिल्कुल वहीं पे जो ये दिया हुआ है पेज नंबर 55 पे, जहां एग्जांपल दिया हुआ है अभी यूरोकार्डेटा से फेलोकार्डेटा, इन सब का एग्जांपल दिया हुआ है ना, तो उन्हीं एग्जांपल के जस्ट ऊपर, ठीक। तो देखो पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 एग्जांपल के ऊपर वाली लाइन, पेज नंबर 55 एग्जांपल के ऊपर वाली, जहां भी यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा का एग्जांपल दिया हुआ है उसी एग्जांपल के जस्ट ऊपर वाली लाइन पे ये आपको मिल जाएगा इसमें, और इसका आंसर क्या जाएगा, सिफेलोकार्डेट्स, वहां पे लार्वा में ही पाया जाएगा, और यहाँ पे नोटोकार्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, तो ये सिफेलोकार्डेट्स आप इसका आंसर चला जाएगा। क्लियर हो गई बात है। तो पेज 55 एग्जांपल के ऊपर वाली लाइन है, एनसीईआरटी से आप मैच कराते चलें। पेज 55 जहां यूरो और सिफेलोकार्डेटा का एग्जांपल दिया हुआ है एग्जांपल के बिल्कुल ऊपर, आप देखेंगे बीचों बीच बिल्कुल लगभग पैरा के राइट हैंड वाले पेज पे है वो सारी चीजें, ठीक है। तो इसका आंसर सिफेलोकार्डेट्स चला गया। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा। बिल्कुल सही है क्वेश्चन, पेज नंबर 55 एग्जांपल ऑफ यूरो एंड सिफेलोकार्डेटा, सिफेलो यूरोकार्डेट्स और सिफेलोकार्डेट्स। अब देखो आपने पढ़ रखा होगा उदास, उदास। अब अगर उदास की मैं बात करूं, देखो यू फॉर यूरोकार्डेटा, डी फॉर डॉलियोलम, डॉलियोलम, ए फॉर एसीडिया और एस फॉर सल्पा। तो देखो यू फॉर यूरोकार्डेटा, डी फॉर डॉलियोलम, ए फॉर एसीडिया, एस फॉर सल्पा। तो ये किसके हो गए, डॉलियोलम एसीडिया और सल्पा, डॉलियोलम एसीडिया और सल्पा किसके हो गए, ये सारे यूरोकार्डेटा के एग्जांपल हो गए। तो हमारे पास फिर कौन सा बचा, ब्रैंकियल स्ट्रोमा बचा, लैंसिलेट या एम्फियोक्सस जिसको बोलते हैं। तो ये तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा का पूछा। अब ये तीनों तो आपके चले गए किसके, यूरो के, यूरोकार्डेटा के, तो बच गया ब्रैंकियल स्ट्रोमा, आंसर जाएगा A1। आसान है ना क्वेश्चन, बस अगर आपने एक भी बार रीडिंग लगाई हुई है तो क्वेश्चन कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। 115, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा बहुत बढ़िया, साइक्लोस्टोमेटा आपको पता होगा कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं कौन सा, वर्टिब्रेटा वाला, याद है ना। तो वर्टिब्रेटा जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले अगर आप वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हो तो आप उसमें डिवीजन करते हो, तो डिवीजन में एक नैथा पढ़ते हो, एक नैथा जिसमें जॉ नहीं पाई जाती है, बोलो यार, डिवीजन करते हो तो आपको पता है ना, एक नैथा और नैथोस्टोमेटा दो मिलते हैं। जैसे अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले डिवीजन होगा,
और डिवीजन में दो होते हैं, एक जिसके पास जॉ पाया जाएगा और एक है जिसके पास जॉ एब्सेंट होगा। तो जॉ जो एब्सेंट है इसी की हम बात यहां पे कर रहे हैं, जॉ एब्सेंट है तो अगर जॉ एब्सेंट होगा आप समझिएगा तो ये आ जाएगा एक नैथा में, एक नैथा का मेंबर हो जाएगा। और अब जॉ एब्सेंट है तो मार के तो किसी को खा नहीं पाएगा, तो जिससे चिपकेगा उसे क्या करेगा, शक करेगा चीजें, एक्टोपैरासाइट हो गया। बोलो यार, तो देखो उसी पैरा में आप चले जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं सारा, पेज नंबर 56, पेज 56 पे चले जाइएगा साइक्लोइस्टोमेटा और क्लास साइक्लोइस्टोमेटा पढ़ लीजिएगा, साइक्लोइस्टोमेटा। वहां आप साइक्लोइस्टोमेटा में जाएंगे, आप देखें ये तीनों लाइन आपको मिलेगा, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट। अब सकिंग एंड सर्कुलर इसलिए पाया जाता है कि जॉ है ही नहीं, तो जॉ नहीं है भैया तो किसी को मार के नहीं खा पाओगे तुम, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें शक करना पड़ेगा चीजों को। बोलो, जॉ रहता मजबूत तब ना किसी को पकड़ के चीड़ फाड़ के खा पाते, बात समझ में आ रहा। तो 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन लाइन है वहां पे, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, बॉडी इज डिवाइड अप स्केल्स एंड पेयर फीट। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, तीनों सही है, चौथा ऑल ऑफ दी, 115 का डी चला जाएगा, ऑल ऑफ दी, पेज नंबर 56 पे। क्लियर हो गई बात। अब देखिए 115 के बाद 116 मरीन विद स्ट्रीमलाइन बॉडी कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन। तो अब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो ही आपने पढ़ा मरीन विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, देखो मरीन विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो अब देखें ये जो मरीन विद स्ट्रीमलाइन बॉडी कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, माउथ इज वेंट्रल, कॉडल फिन इज हेटरोसर्कल, नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोसेस द अबव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब आप पेज नंबर 56 और 57, पेज 56 और 57 पे जो ही आपने कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन पढ़ा और नीचे एग्जाम्पल आपने देखा, आप तुरंत जान गए कि ये है कार्टिलेजनस फीसेस की बात, कार्टिलेजिनस फीसेस की बात यहां पे होने वाली है, मतलब कॉन्ड्रिक्थिस की बात होने वाली है, मतलब कॉन्ड्रिक्थिस की बात होने वाली है। कॉन्ड्रिक्थिस की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ड्रिक्थिस में देखो मैरिन विद स्ट्रीमलाइन बॉडी कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन माउथ इज वेंट्रल कॉडल फिन नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। तो ये कार्टिलेजनस आपने यहां से पहचान लिया। अब इसमें क्या करना है, देखो डॉग फिश स्कोलियोडॉन, यहां पे स्कोलियोडॉन तो एक मिल गया आपको, सॉफिस प्रिस्टिस, सारा कुछ देखते रहेगा, सॉफिस प्रिस्टिस, फ्लाइंग फिश आपको पता है। तो देखो अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो डॉग फिश, सॉफिस, ट्राइगॉन और टारपेडो, ये चार, बाकी आप सारे एग्जांपल डॉग फिश सॉफिस बाकी आप सारा देख लो। अगर आप फ्लाइंग फिश आप देख रहे हो, फाइटिंग फिश देख रहे हो, आप जाके देख लीजिएगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ बेटा, एंजल फिश, टेरोफिलम, जेली फिश ऑरेलिया, स्टार फिश इकाइनोडर्मेट, ट्राइगॉन तो आप जानते ही हो यार, स्टिंग रे, टॉर्पेडो आप जानते हो, इलेक्ट्रिक आर्गन, रोहू को जानते हो, लैबियो, कैटला जानते हो, कटला, मांगूर आप जान ही रहे हो, ये सारी चीजें। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो है यहाँ की मैं बात करूँ, देखो फ्लाइंग फिश, फाइटिंग फिश, एंजल फिश, ठीक है ना, रोहू, कैटला और मांगुर, ये तो बोनी फिशेज होंगे। तो आपको मिला फिर कौन, आपको मिला एक डॉग फिश, एक सॉ फिश, एक ट्राइगॉन और एक टॉरपेडो, यही चार ऐसे मिले जो आपके कार्टिलेजनस फिशेज या कॉन्ड्रिक्थिस के मेंबर हैं। तो आंसर जाएगा B4, ठीक है, तो 116 का बी चला गया आंसर, ठीक है ना। अरे आपको पता होगा डॉग फिश, सॉ फिश, ट्राइगॉन और टॉरपेडो, ये जाके आप देख लीजिएगा। अब आपको मैं पेज नंबर देखिए उसी पे द स्केल्स फाउंड इन कॉन्ट्रेक्टिस, पेज नंबर 56 आपको मैं बता दू, पेज नंबर 56 पे देखिए द स्केल्स फाउंड इन कॉन्ट्रेक्टिस आर प्लेकोइड स्केल, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा, एकदम कॉन्ट्रेक्टिस की बात कर रहा है। अगर साइक्लॉइड और टीनॉइड की बात करें तो ये ऑस्टिक्थिस में पाया जाएगा, तो प्लेकॉइड स्केल 117 का फर्स्ट चला जाएगा आंसर। अब पेज नंबर
56 ये चला जाएगा। अब 118 ये देखते हैं क्वेश्चन, देखें विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कार्टिलेजनस फिस, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये प्रीडेसियस फिशेज हैं, ये मार के खाती हैं, तो मार के खाएंगी तो देखो इनका जो टीथ है ना वो मजबूत भी होना चाहिए, और बैकवर्डली डायरेक्टेड होने से क्या होता है, बैकवर्डली डायरेक्टेड से ये होगा कि जिसके में धंसेंगी वो पूरा उखाड़ लाती हैं, बिल्कुल ठीक है ना, जैसे धंसी यहाँ पे तो पूरा उखाड़ के ले आए हैं, चीड़ फाड़ के खा लेते हैं, प्रीडेसियस होती है ना ये, तो टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। उसके बाद 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन बट विदाउट ऑपरकुलम, एयर ब्लैडर एब्सेंट सो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। बिल्कुल 56-57 नंबर पेज पे आप देख लें, ये एयर ब्लैडर एब्सेंट सो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। इन मेल पेल्विक फिन्स क्लेस्पर्स आर एब्सेंट, प्रेजेंट होता है, एब्सेंट नहीं होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है ये वाला, आप जब जाओगे 57 नंबर पेज पे तो वहां आपको मिल जाएगा ये प्रेजेंट, यहां पे लिखा हुआ है एब्सेंट, ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट यहां प्रेजेंट होता तो ये सही हो जाता है, एब्सेंट है तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात है। अब आ जाओ 118 के बाद 119, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश पजेस पॉइजन स्टिंग। अरे अभी तो पीछे से देख क्या है, ट्राइगन, ठीक है ना, ये वाला ट्राइगन, पेज नंबर 57 ट्राइगन, ठीक है, तो ये आपका ट्राइगन हो जाएगा पेज नंबर 57 पे। उसके बाद आप 120 पेट्रोमाइजॉन मिग्जाइन कार्केरोडॉन और ये सारे, अब देखो यहां पे थोड़े थोड़ा चेंज किया है, पेट्रोमाइजॉन यहां जाना चाहिए था लैम्प्रे के सामने, कह रहा है कौन सा है जो करेक्ट मैचिंग है, अगर पेट्रोमाइजॉन के सामने लैम्प्रे रहता बात सही है, मिग्जाइन के सामने हैगफिश रहता तो बात सही है, ट्राइगॉन और टारपेडो ये दोनों अलग अलग हैं भाई, ट्राइगॉन तो आपको पता है पॉइजन स्ट्रिंग है और टारपेडो क्या है इलेक्ट्रिक आर्गन्स, तो कार्केरोडॉन ये ग्रेट व्हाइट शार्क, ये बातें सही है, ठीक है, तो आंसर क्या जाना चाहिए, आंसर जाना चाहिए इसका सी कार्केरोडॉन, ठीक है, पेट्रोमाइजॉन लैम्प्रे होता है, मिग्जाइन हैगफिश होती है, तो पेट्रोमाइजॉन के सामने हैगफिश बात गलत हो गई, मतलब ये इसके साथ जाना चाहिए, ये इसके साथ जाना चाहिए, ठीक है ना, और ये तो दोनों खैर कहीं से मैच ही नहीं करते, ये दोनों एक ही उसके मेंबर है क्लास कॉन्ट्रिक्थिस के, तो इनको तो हटाओ बात, कार्केरोडॉन ये भी हालांकि कॉन्ट्रिक्थिस का ही है मेंबर, ये हटाओ। अब मिग्जाइन हैगफिश बोलते हैं पेट्रोमाइजॉन लैम्प्रे, और बोल रहा है कौन सा है करेक्ट मैचिंग, तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, तो आंसर क्या चला जाएगा सी 120 का, पेज नंबर 57 पे मिलेगा आपको एनसीईआरटी का, पेज नंबर 57 और 56 पे भी, क्योंकि पेट्रोमाइजॉन और मिग्जाइन ये पेज नंबर 56, तो पेज नंबर 56 और 57 ये यहां से आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक। 120 के बाद 121, सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ बोनी फिशेस फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या दिक्कत है यार इसमें, अब जैसे आप देखिएगा एक्सोसिटस आप ढूंढिएगा सारा, बोनी फिशेस पूछ रहा है, एक्सोसिटस क्या है, फ्लाइंग फिश है, आपको पता होगा एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, लैबियो, कैटला, क्लैरियस, मांगुर हो गया, बेटा हो गया, टेरोफिलम हो गया, ठीक है। अब देखो ट्राइगॉन ये आपके अब नहीं मिलेंगे, आपको पता है ट्राइगॉन क्या है, ट्राइगॉन स्कोलियोडॉन कार्केरोडॉन टारपेडो प्रिस्टिस ये जितने भी हैं, ट्राइगॉन टारपेडो प्रिस्टिस स्कोलियोडॉन और कार्केरोडॉन ये किसके मेंबर हो जाएंगे, आपको पता है कॉन्ट्रिक्थिस के मेंबर हो जाएंगे, तो आप जरा देखें अगर 121 में आपको मैं बता दूं तो पेज नंबर आप देख लेंगे 57 पे, ठीक है ना, तो पेज 57 पे ही जाके देख लेंगे, एग्जाम्पल बस है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 सात, तो आंसर क्या चला जाएगा 121 बी, क्योंकि बाकी देखो जिसको जिसको मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ वही सारे उसके मेंबर हैं, और इसमें क्या ही कोई बता देगा, कॉन्सेप्ट तो कोई है नहीं, तो आपको केवल एनसीईआरटी से देख लेना है, ठीक। अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रेश वाटर बोनी फिश, फ्रेश वाटर बोनी फिश, देखो लैबियो रोहू कटला मांगुर, ठीक, तीनों के तीनों फ्रेश वाटर है, तीनों फ्रेश वाटर है, तो आंसर क्या जाएगा 122 का डी ऑल ऑफ दीज, ठीक, तो 122 आसान है, हटा रहा हूं 122 का डी ऑल ऑफ दीज, पेज नंबर 57 पे ही मिल जाएगा। उसके बाद क्या आया 123, एम्फीबियन बिलोंग टू सुपर क्लास, पेज नंबर 56 पे,
ठीक है ना, पेज नंबर 56 पे। अब देखो क्या पूछ रहा है, कौन से सुपर क्लास में ये एम्फीबियंस आएंगे। अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूं सुपर क्लास की, तो मैं पूरा का पूरा डिवीजन ही आपको बता दे रहा हूं, एक बार जल्दी से डिवीजन में बता दे रहा। देखो सबसे पहले वर्टिब्रेटा, अभी मैंने बताया था वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा को आप दो डिवीजन में बांटते हो, एक हो गया एक नेथा और एक आप बांटते हैं नेथोस्टोमेटा में। अब नेथोस्टोमेटा को आप बांटते हो सुपर क्लास में, सुपर क्लास में एक में आ जाएंगे मछलियां पीसेस मछली वाली, और एक में आ जाता है टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। अब इसके बाद टेट्रापोडा में आपको पता है क्लास एम्फीबिया रेप्टाइल बॉयड और मैमल आते हैं, तो इसी में क्या आता है एम्फीबिया रेप्टाइल बॉयड और मैमल्स आते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आप यहां देख ले, एम्फीबियन बिलोंग टू सुपर क्लास, कौन से सुपर क्लास से है एम्फीबिया, तो एम्फीबिया का सुपर क्लास क्या है टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। तो आंसर देखें टेट्रापोडा, ये चला जाएगा आंसर टेट्रापोडा, ठीक क्लियर। तो एम्फीबियंस बिलोंग टू सुपर क्लास टेट्रापोडा, ये वहीं पे डिवीजन लगा हुआ वहीं पे देख लें। अब देखो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आर्गियन गिवन इन द फिगर बिलोंगिंग टू मरीन हैबिट, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मिल जाएगा 56-57 वाले पे। तो पेज नंबर 56 और 57, पेज 56 और 57 केवल डायग्राम से क्वेश्चन है। अब आप देख लें, अगर ए की मैं बात कर रहा हूं तो ये ए क्या हो जाएगा पेट्रोमाइजॉन, कौन सा हो जाएगा पेट्रोमाइजॉन, ठीक है, पेट्रोमाइजॉन के बाद मतलब लैम्प्रे। बी वाला क्या हो जाएगा स्कोलियोडॉन, ये आ जाएगा स्कोलियोडॉन। सी हो जाएगा आपका प्रिस्टिस, सी आपका प्रिस्टिस। डी आपका हो गया, आपको पता होगा ये तो सबको याद भी होता है हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस, ये आपको पता है। ई वाला क्या है, ई वाला है कटला, ये कटला है। अब देख लो फाइंड आउट टोटल नंबर गिवन इन द फिगर बिलोंगिंग टू मैरीन हैबिट, मैरीन हैबिट में आपको पूछ रहा है। तो अब मैरीन हैबिट की अगर मैं बात करूं तो आपको देखो पेट्रोमाइजॉन मरीन है, स्कोलियोडॉन मरीन है, प्रिस्टिस मरीन है, हिप्पोकैम्पस मरीन है, कटला ये फ्रेश वाटर है। तो आंसर क्या चला जाएगा, चार ए बी सी और डी, ये आंसर चला जाएगा सी फोर, ठीक। तो ये हो गया आपका 124 के बाद 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रेप्टिलिया, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल आर स्क्यूट, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड नेक ट्रंक एंड टेल, हार्ट इज यूजुअली थ्री चैम्बर, रेस्पिरेशन अकर थ्रू लंग एंड स्किन। अब देखें पेज नंबर मैं बता दे रहा हूं, जाके चेक कर लें, पेज नंबर 58 पे, पेज यहां पे पेज नंबर 58 मैं आपको बता दे रहा हूं, देखें पेज 58 देखिए, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स आर स्क्यूट, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल बात सही है। और यहां पे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये बात तो सही है, तो ये तो आंसर होने से रहा। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड नेक ट्रंक एंड टेल, बात बिल्कुल सही है, हेड नेक ट्रंक और टेल में डिविजन हो, हार्ट इज यूजुअली थ्री चैम्बर्ड, ठीक है ना, यूजुअली थ्री चैम्बर्ड होगा इसमें, बात सही है। रेस्पिरेशन अकर थ्रू लंग्स एंड स्किन, स्किन वाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, 125 का डी चला जाएगा, लंग्स से होगा स्किन ये हटा देंगे हम, गिल्स हो सकता है, लंग्स से हो सकता है, स्किन से नहीं होता, तो वो हमने हटा दिया, तो 125 का डी चला जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद 126, अब देखो सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, आपको चले जाएगा बस वहीं पे पेज नंबर 58 पे, पेज नंबर 58 पे एग्जांपल आप देखें, अगर मैं बात कर रहा हूं पेज नंबर 58 पे एग्जांपल आप देख लें रेप्टिलिया के नीचे। अब देखो इनकरेक्ट मैचिंग पूछ रहा है, देखो चिलोन टर्टल बात सही है, टेस्टुडो टर्टोइज बात सही है, कैमेलियन ट्री लिजर्ड सही है, कैलोटिस तो गार्डन लिजर्ड होता है मेरे भाई, कैलोटिस क्या होगा गार्डन लिजर्ड, हेमी रेप्टाइलिस वार्ड लिजर्ड होता है,
अगर वॉल लिजर्ड पूछता तो ये हेमीडेक्टाइलस आपको लिखना पड़ता, ये आपको याद होगा हेमीडेक्टाइलस। कैलोटिस क्या होता है? ये गार्डन लिजर्ड होता है, गार्डन लिजर्ड, ठीक है ना। तो कैलोटिस को वॉल लिजर्ड लिखा हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो 126 का आंसर डी चला जाएगा। ठीक, अब आ जाओ 127 इन बर्ड्स। फोर लिंब आर मॉडिफाइड इनटू, जॉ इज मॉडिफाइड इनटू, बोन्स आर हर्ट इज। अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूं, हर्ट फोर चेंबर होगा इसका, बोन न्यूमेटिक होगा, जॉ मॉडिफाइड होगा और किसमें, बीक में, और फोर लिंब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो देखो, अब देखो फोर लिंब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, तो फोर लिंब की अगर मैं बात कर रहा हूं, फोर लिंब मॉडिफाइड इनटू विंग, दो ऑप्शन मिले आपको, तीन ऑप्शन मिल गया विंग वाला, और एक दो तीन चार, चारों में बीक है, तो एक दो तीन। अब उसके बाद बोन्स आर न्यूमेटिक हो जाएगा, तो अब आपको आंसर मिल गया बी। देखो यहाँ क्लॉज लिखा हुआ, आंसर चला जाएगा बी, विंग्स बीक न्यूमेटिक फोर चैम्बर, क्योंकि फोर लिंब ये चला जाएगा विंग्स में, जॉ बीक में मॉडिफाइड हो जाएगा, बोन्स न्यूमोटिक होता है, न्यूमोटिक मतलब आपको पता है लॉन्ग बोन्स जो होता है वो हॉलो होता है, और हर्ट यहाँ पे फोर चैम्बर्ड हो जाएगा। तो विंग बीक न्यूमेटिक और फोर चैम्बर्ड, कौन सा आंसर चला जाएगा? बी। क्लियर हो गई बात? तो ये मैंने आपको बता दिया 127, 128 आ जाओ। द एप्स हैव एडिशनल चैम्बर इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेयर, अब देखो गिजर्ड में आपको पता है कि टीथ लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं, तो ये तो फूड ग्राइंडिंग के लिए हो जाएगा, क्रॉप स्टोरेज के लिए हो जाएगा। तो 128 की अगर मैं बात करूं, आपको एनसीईआरटी में ही आपको मिल जाएगा 128, पेज 58 नीचे से थर्ड लाइन, तो ये आपको पेज 58 नीचे से थर्ड लाइन, नीचे से पेज 58 पे, 58 पे नीचे से थर्ड लाइन, पेज 58 नीचे से थर्ड लाइन पे आप जाएंगे, आंसर मिलेगा क्रॉप एंड गिजर्ड। क्रॉप फूड स्टोरेज के लिए होता है, ग्राइंडिंग के लिए मतलब पीसने के लिए, टीथ लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं गिजर्ड में, प्रोवेंट्रिकुलस भी पाया जाता है, तो क्रॉप और गिजर्ड बोल देंगे। चलो 128 के बाद 129, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बर्ड्स, एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, हाइंड लिंब पजेस स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड बार वॉकिंग स्विमिंग आर क्लैस्पिंग, बात बिल्कुल सही है, सेपरेट सेक्सेस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरेशन एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, इंडो स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, ओफ ये बातें गलत हो गई यार, इंडो स्केलेटन में फेदर, स्केल, बीक, क्लॉज ये सब थोड़े ना आएंगे, इंडो स्केलेटन में तो उसका बोन आएगा इंटरनल यार, तो ये बात तो गलत हो गई यार। तो कह रहा है इसमें इनकरेक्ट कुछ भी रहा है, तो आंसर चला जाएगा डी, बाकी सब सही है, पैरा से आप जाके ढूंढ लेना। क्लियर हो गए? मैं बता भी रहा हूं आपको पेज नंबर 58-59 पे। ठीक, उसके बाद 130, द फॉलोइंग फीचर बिलोंग टू, एक्सोस्केलेटन इंक्लूड हेयर ऑन बॉडी, हॉर्न्स, हार्ट एंड नेल, पिन्नी इज प्रेजेंट, हर्ट इज फोर चैम्बर, वार्म ब्लडेड, थीकोडोंट एंड हेट्रोन। ओफ, आपने पढ़ा थीकोडोंट और हेट्रोडोंट, आपको पढ़ते समझ में आया कि देखो यार एप्स में टीथ है नहीं, एम्फीबियंस में है नहीं, रेप्टिलिया में अगर मैं बात करूं तो हेट्रोडोंट डेंटिशन पाया नहीं जाता, तो आंसर एक ही मिल गया, मैमल्स तुरंत ही। ठीक है, ये सब आपको बस दो दो सेकंड का आंसर था, तो आंसर चला जाएगा मैमल्स, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं, अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप चले जाइएगा पेज नंबर 59 पे, पेज नंबर 59 पे आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको यहां से पढ़ लेना था। देखो हर क्वेश्चन का एक की पॉइंट होता है, हर क्वेश्चन का एक की पॉइंट होता है, जहां से आपको उस क्वेश्चन को पकड़ना होता है। फोर चैम्बर, पिन्ना प्रेजेंट, वार्म ब्लडेड, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, हेट्रोडॉन्ट आपको पकड़ना था कि हेट्रोडॉन्ट का मतलब सारे दांत जो पाए जाएंगे वो डिफरेंट टाइप का, ये तो मैमल्स में पाए जाते हैं, कहानी खत्म हो गया। 130 के बाद 131, एसर्सन, फर्टिलाइजेशन बोनी फिश इज यूजुअली एक्सटर्नल, इन मेल्स इन बोनी फिश द पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर, देख लो इसका क्या आंसर, फर्टिलाइजेशन बोनी फिश इज यूजुअली एक्सटर्नल, क्या लिखा हुआ 131 पे। अब मैं आपको पेज नंबर में बता दे रहा हूँ, पेज नंबर आप देखें 58 पे, अगर 58 पे जाओगे तो बोनी फिश में यूजुअली एक्सटर्नल, इसमें तो कोई एतराज नहीं है, तो देखो ये तो सही है, एसर्शन तो सही है, बोनी फिश यूजुअली एक्सटर्नल, इन मेल्स इन बोनी फिशेस पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर, अरे ये कॉन्ड्रिक थाइस का है, तो ये तो गलत हो गया, तो एसर्शन सही, रीजन गलत, ये कॉन्ड्रिक थाइस का कैरेक्टर है ना, और ऑस्टिक थाइस के साथ दिया हुआ है, तो गलत हो गई बात है, ये बोनी फिशेस का नहीं है,
ठीक है, तो ये गलत बात हो गई, ये सही है। तो assertion सही और reason गलत। तो देखो assertion is true but reason is false, आंसर जाएगा C। तो 131 का आंसर C जा रहा है। ओबेलिया सो मेटाजेनस, ओबेलिया इज ए पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, बात बिल्कुल सही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस भी किया था, मैंने आपसे बताया था। अब वहीं आप चले जाइएगा बिल्कुल सिलेंट्रेट वाले पे, जहां पे दिया हुआ है सिलेंट्रेट में आप चले जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं सिलेंट्रेट वाले में, तो देखो ओबेलिया सोज मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मेटाजेनेसिस का मतलब ये हो गया पॉली मेडुला मेडुसा में कन्वर्ट हो जाए, और मेडुसा फिर किस में कन्वर्ट हो जाए, पॉलिप में। तो इसी वजह से तो हो रहा है क्योंकि इसकी बॉडी में दो टाइप का, दो स्टेज पाए जा रहे हैं ओबेलिया में, पॉलीमार्फिक है, तभी तो ये बात सही है। तो देखो एसर्शन रीजन सॉल्व करने के लिए ना एसर्शन पढ़िए और रीजन अपने आप से डिसाइड क्या करें। ओबेलिया सो मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस का मतलब पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, इसका मतलब उसकी बॉडी में दो स्टेज होते होंगे तभी तो वो चेंज करता रहता है, तो ये दो स्टेज होने की वजह से पॉलीमार्फिक हो गया, बात बिल्कुल सही है, आंसर जाना चाहिए ए। एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ये हो गया आपका 132, ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब 132 के बाद 133, स्नैक्स सेट्स देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, बात बिल्कुल सही है, एसर्शन एनसीईआरटी की लाइन से बात सही है। इट अलाउज टू कंटिन्यू द ग्रोथ ऑफ स्नैक, ये बिल्कुल सही है, वो अपने टिश्यूज को रिफ्रेश करता है, वो टिश्यू को डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है जिससे वो रिपेयर कर लेते हैं डैमेज टिश्यू को और सारी बातें, तो ये बात बिल्कुल सही है, आंसर जाएगा ए। 133 का आंसर ए जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। और जब वो, अरे यार गांव में बोला जाता है ना कि सांप वो अपना केचुल उतार दिया है, तो जब वो उतारते हैं ना तो उससे उनकी ग्रोथ होती है, उनका प्रॉपर नॉरिशमेंट हो जाता है स्किन का और स्किन की रिपेयरिंग हो जाती है, तो ग्रोथ इसका मतलब हो गया, तो आंसर जाएगा ए। 133 के बाद 134, इन एम्फीबियन द स्किन इज जनरली मॉइस्ट, दे सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बिल्कुल बात सही है, मॉइस्ट होगा तभी क्यूटेनियस हो पाएगा, स्किन उसकी मॉइस्ट होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा, स्किन इज जनरली मॉइस्ट, बिल्कुल, क्योंकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा, अगर ड्राई हो गया ना एस्फिक्सिया हो जाएगा, मर जाएगा वो, तो आंसर इसका भी ए जाएगा, ठीक। तो 134 का भी ए आंसर जा रहा है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ऑल मैमल्स सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये बातें गलत हो गई, ऑल मैमल्स आर विविपेरस, और ऑल मैमल्स जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं 135 की, 135 में ऑल मैमल्स आर विविपेरस, बात तुमने गलत लिख दिया है कि सारे मैमल्स, क्योंकि आपको पता है मैमल्स के एग्जांपल में पहला एग्जांपल एक दिया हुआ ओविपेरस का, आर्निथोरिंकस, आर्निथोरिंकस, आर्निथोरिंकस आपको पता है वो ओविपेरस होता है, वो विविपेरस नहीं होता, तो ऑल मैमल्स आर विविपेरस दे रहे हो, ये बात तो गलत हो गई यार, क्योंकि आर्निथोरिंकस है हमारे पास, ये बात गलत। अब देखो बाकी हर जगह एसर्शन ट्रू, एसर्शन ट्रू, एसर्शन ट्रू, एसर्शन इज ट्रू, बोथ एसर्शन रीजन, अब ऑल मैमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये भी बात नहीं सही है, ठीक है ना, ये भी बात नहीं सही है, आप जाके वहां पे पढ़िएगा। ऑल की अगर मैं बात करूं, कौन सा है ये 135 है, 135 नंबर पे जाओ तो ऑल मैमल्स सो एक्सटर्नल की जगह क्या हो जाता है, इंटरनल हो जाएगा, सारे के सारे इंटरनल, तो रीजन भी गलत और एसर्शन भी गलत, बोथ एसर्शन एंड रीजन इज रॉन्ग, तो आंसर जाएगा 135 का डी। पेज नंबर मैं बता दे रहा हूं, पेज नंबर 60, 135 के बाद 136, which of the following is always negative? ये तो आपको पता है, पेज नंबर में बता दे रहा हूं, पेज 179, ठीक है ना, अब देखो पेज 179, देखो यार which of the following is always negative under natural condition? साइएस सॉल्यूट पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल तो हमेशा होगा ही होगा निगेटिव, क्योंकि देखो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कितना होता है, जीरो, और जब सॉल्यूट उसमें डालेंगे तो वाटर पोटेंशियल में जो कमी आती है उसको सॉल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल में जो कमी आती है उसको सॉल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं, तो जीरो मैक्सिमम है, कमी आएगी तो निगेटिव में ही तो जाएगा। अरे मेरे भाई देखना जरा, वाटर पोटेंशियल की अगर मैं बात कर रहा हूं, वाटर पोटेंशियल इसको डिनोट करते हैं साई डब्ल्यू, ये मैक्सिमम होता है जीरो, ठीक है ना, अब मैक्सिमम जब जीरो होगा तो अगर थोड़ा सा भी इसमें सॉल्यूट ऐड करोगे तो ये जीरो से घटेगा, जीरो से घटेगा तो निगेटिव, तो जो ये घटा है इसी को तो बोलते हैं क्या, साइएस
तो साई एस हमेशा निगेटिव होगा। साई डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन जब प्योर होता है तो मैक्सिमम होगा, प्योर वाटर का मैक्सिमम होगा। सॉल्यूशन का मतलब जरूर आपने कुछ ना कुछ उसमें सॉल्यूट डाला हुआ है, तो ये भी निगेटिव वन एंड टू पेज नंबर 179 पे। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब 136 के बाद 137 देखना जरा, देख के ही आपको पता चल रहा है। पेज नंबर मैं बता दे रहा हूं 180 फिगर 11.3 पेज नंबर 180 पेज 180 फिगर 11.3 अगर 180 11.3 की मैं बात कर रहा हूं तो जरा देख लेना उस डायग्राम में जाके। ये जो आपको डॉट 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 बड़ा बड़ा दिख रहा है ये है सॉल्यूट मॉलिक्यूल देख लो, और ये है अंदर वाटर। तो देखो जितना ज्यादा यहां पे द सॉल्यूशन विच चैम्बर है जो लोअर वाटर पोटेंशियल। अब देखो सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्यूट जब ज्यादा डालोगे वाटर पोटेंशियल में कमी आएगी, तो सॉल्यूट ज्यादा डालने के बाद वाटर पोटेंशियल में कमी आएगी तो यहां का वाटर पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा 137 का बी, 137 का आंसर जाएगा बी। देखो अरे यार सॉल्यूट ज्यादा डाले हो ना, देखो फिर से मैं बता दे रहा हूं प्योर वाटर, प्योर वाटर का मैक्सिमम होता है और कितना होता है जीरो। अब सॉल्यूट डालते जाओगे तो ये जीरो से घटता जाएगा, सॉल्यूट डालते जाओगे तो जीरो से घटेगा, तो ज्यादा सॉल्यूट डालोगे ज्यादा जीरो से घट जाएगा तो निगेटिव होता जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर जाएगा लोअर वाटर पोटेंशियल बी का। ठीक है, हाउ कैन वी गेट एग मेम्ब्रेन बताने की जरूरत ही नहीं। हाउ कैन यू गेट पेज नंबर 181 पे फिस्टेल फनेल एक्सपेरिमेंट जाके स्टेटमेंट पढ़िएगा ये और ये। ठीक है ना, दोनों हो जाएगा फिस्टेल फनेल पेज नंबर 181 पे, पेज नंबर 181 मैं बता दे रहा हूं एनसीईआरटी का 181 राइट हैंड साइड पे जो फिस्टेल फनेल एक्सपेरिमेंट मैंने ये बताया भी था आपको क्लास में, फिस्टेल फनेल एक्सपेरिमेंट, थिस्टेल फनेल एक्सपेरिमेंट, और वहां जाके देखिएगा ए और बी। जो थिस्टेल फनेल एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा ऑस्मोसिस को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ऑस्मोसिस को बताता है, वहां पे ये दोनों बातें लिखी हुई है, तो आंसर क्या जाएगा सी जाएगा, आंसर जाएगा सी, ये आंसर है सी। मैं बता दे रहा हूं ये भी बात सही, ये भी बात सही है। तो 138 का सी और पेज नंबर में बता दिया 181। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द निगेटिव प्रेशर अप्लाइड, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द निगेटिव प्रेशर अप्लाइड, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव, दोनों बातें गलत हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल निगेटिव होगा। मोर इज द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इट। बात ये क्या कह रहा है जरा देखिएगा, मोर इज द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन। अब देखो प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन, डिफ्यूजिंग इन मतलब पानी अंदर आने को रोक रहा है, मतलब आपको पता चल गया कि ये आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर दैट एक्सटर्नल प्रेशर विच अपोज द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। ठीक है ना, तो आप देखो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन के, यही तो लाइन लिखा हुआ मोर इज द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन। और यही तो है प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो पानी को घुसने से रोकता है, रोकना चाहता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट और करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, बात बिल्कुल सही है सी। अब डी वाला भी देख ले, द नेट डायरेक्शन रेट ऑफ ऑस्मोसिस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट नॉर ऑन कंसंट्रेशन, ये बात तो गलत है। रेट ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि वाटर का मूवमेंट हायर से लोअर की तरफ हो, वाटर का मूवमेंट हायर से लोअर की तरफ हो थ्रू सेमी या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो डेफिनेशन हम याद करते हैं द मूवमेंट ऑफ हायर वाटर टू लोअर वाटर थ्रू सेमी या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन ये बोलते हैं बात, तो ये बात तो गलत है कि उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, ये कहां से भैया ये बात तो बिल्कुल गलत है, तो आंसर चला जाएगा सी। तो 139 का आंसर सी। 140 इन टर्म्स ऑफ परमेबिलिटी द सेल वॉल एंड प्लाज्मा लेमार, अब 140 पे हम बता दे रहे हैं पेज नंबर 180 में ऑस्मोसिस की पहली लाइन, मैं बता दे रहा हूं 180 पे पेज नंबर 180 ऑस्मोसिस की पहली लाइन, पेज 180 ऑस्मोसिस जहां हेडिंग पड़ा हुआ है उसकी फर्स्ट लाइन,
फर्स्ट लाइन आप पढ़िएगा जाके, सेल वॉल और प्लाज्मा लेमा पूर्जा, सेल वॉल का परमिएबल हो जाएगा और प्लाज्मा का डिफरेंशियली परमिएबल रेस्पेक्टिवली। तो सेल वॉल का परमिएबल वही लाइन लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ लीजिएगा ऑस्मोसिस वाले में, ठीक। तो 140 का ए, मैंने पेज नंबर भी बता दिया। ए सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड आफ्टर बीइंग कैप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट विल बी प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा लेमा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पेज नंबर 182 पे क्वेश्चन पूछा गया, जो डायग्राम ऊपर तीन बने हुए ना, उसी डायग्राम का एक पैरा छोड़ो उसके नीचे और उसके बाद देखिएगा बीच में इनटेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है कि एक सेल है जो प्लाज्मोलाइज्ड है, तो ये एक सेल है, अगर ये प्लाज्मोलाइज्ड है तो जाहिर सी बात है बाहर क्या होगा, हाइपरटोनिक। बोलो यार बाहर क्या होगा, हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक होगा तो ये एक सेल मैंने ले लिया, ध्यान दीजिएगा ये सेल मैंने लिया हाइपरटोनिक है, तो ये बाहर सेल वॉल, अब सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल, ठीक है ना। अब ये प्लाज्मोलाइज हुआ तो यही तो अंदर वाला सिकुड़ रहा है, इसके बीच में गैप है, तो ये बाहर वाला हाइपरटोनिक ही इसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में यहाँ पे हाइपरटोनिक ही आ जाएगा, क्योंकि सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, उसको नहीं मतलब है तुम हाइपो हो या हाइपर हो, तो ये आंसर जाएगा हाइपरटोनिक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि सेल वॉल और प्लाज्मोलेमा, ये देख लें ये प्लाज्मोलेमा और ये सेल वॉल, इनके बीच क्या होगा, तो यही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि सेल वॉल को तो सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल, सेल वॉल तो रोकेगा ही नहीं, तो यहां से हाइपरटोनिक अंदर आ जाएगा, ठीक है, सेल प्लाज्मोलाइज है, तो आंसर हाइपरटोनिक हो जाएगा 141 की बात में अगर करूं तो। अब आ जाओ 142 की बात मैं करूं, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन अ सॉल्यूशन, ये तो एनसीईआरटी से हम नहीं करेंगे, ये आपको सीधे मैंने क्लास में ही क्वेश्चन कराया था, तो देख लो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन अ सॉल्यूशन है, यहां पे वाटर पोटेंशियल ऑफ -9 bar, ठीक है, एंड अनदर सॉल्यूशन बी ऑफ -4 bar। अब देख लो एनसीईआरटी ने क्या बोला, एनसीईआरटी के अगर आप जाओ पेज नंबर 179 दूसरा पैरा, पेज 179 मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई एक क्वेश्चन अब तक बताओ जो आपको एनसीईआरटी से मैंने नहीं दिया हुआ है, सेकंड पैरा, वहां पे लिखा हुआ है कि वाटर विल मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू हायर साईडब्ल्यू टू लोअर साईडब्ल्यू, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। अब देखो ए का है -9, तो ए का कितना है -9 है, बी का है -4, तो आपको पता है -4 ज्यादा है -9 से, तो बी से ए की तरफ चला जाएगा, आंसर जाएगा बी टू ए, क्योंकि बी का -4 है, बी का -4 है, ए का -9 है, तो -9 कम होता है, तो और हमने क्या पढ़ा हायर से लोअर, तो हायर -4 ये -9, तो बी से ए चला जाएगा, आंसर चला जाएगा 142। द प्रेशर एग्जर्टेड बाई प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड सेल वॉल, बिल्कुल उसी पेज पे, पेज 179 पे लास्ट लाइन, पेज 179 पे लास्ट लाइन, पेज 179 पे लास्ट लाइन, लास्ट लाइन आप जाके पढ़िएगा, प्रेशर एकदम एकदम जो वाटर पोटेंशियल पोटेंशियल वाला जो हेडिंग है ना उसकी लास्ट लाइन जाके पढ़िए, आंसर मिलेगा प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इम्बाइबिशन, इट रिक्वायर्स साई डब्ल्यू, मतलब वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बाइड, बात बिल्कुल सही है, इट रिक्वायर एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड। अरे यार देखो सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड के अंदर जाना है लिक्विड को जाना है, तो सॉलिड को पानी लेने का या लिक्विड लेने का मन हो और लिक्विड को उसके अंदर जाने का मन हो, ये भी तो होना चाहिए, तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब ज्यादा से कम की तरफ जाएगा पानी, और उसके बाद जो एक लोग जो लेने वाले हैं जो देने वाले हैं, ठीक है ना, उनके बीच एफिनिटी होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे वो लिख दिया कि प्रीहिस्टोरिक स्प्लिट रॉक्स एंड बोल्डर्स, तो ये तीनों लाइन आपकी एनसीईआरटी का है, मैं पेज नंबर बता दे रहा हूं 144 का, पेज 183 सेकंड पैरा, पेज 183 सेकंड पैरा, राइट हैंड वाले पेज पे ऊपर से नीचे, ठीक है ना। देखो कई लोगों को ये लग रहा होगा कि यार जब पेज नंबर बता ही रहे हो तो एनसीईआरटी क्यों नहीं यहीं पे स्कैन करवा के डलवा दिए, नहीं बिल्कुल मैं नहीं किसी भी डिस्कशन में मैं एनसीईआरटी के पेज को स्कैन करके यहाँ पे नहीं डालूंगा, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप कामचोर हैं, काम करना नहीं चाहते, एनसीईआरटी आपके सामने रहना चाहिए, आप खुद वो लाइन ढूंढो
ये आपका काम है, ये खुद आप लाइन ढूंढो। इससे क्या होगा, आपको अगल बगल की लाइनें भी तैयार होती जाएंगी, तो आप और बेहतर कर पाओगे। आंसर जाएगा डी। बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड बाय, बल्क फ्लो की बात कर रहा है। अगर 145 की मैं बात कर रहा हूं, पेज 183 और पेज 183 पे लास्ट की दो लाइन, पेज 183 पे राइट हैंड साइड पे होगा, देखना लास्ट की दो लाइन, लास्ट की दो लाइन पॉजिटिव और निगेटिव दो, तो आंसर क्या चला जाएगा, सी बोथ ए एंड बी। ठीक है, अरे यार पॉजिटिव वाला आपको पता है, पॉजिटिव पुशिंग होता है, निगेटिव पुलिंग होता है, तो बोथ ए एंड बी बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड बाय। ठीक, जाइलम इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर मिनरल सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन। अब ये आपको लाइंस एनसीईआरटी में ढूंढनी पड़ेगी कि कहां पे दिया हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जाइलम इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ, अब पेज नंबर 190 ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन, ठीक है ना, पेज नंबर ध्यान से, क्योंकि ये आपको ढूंढना पड़ेगा, पेज 190 ट्रांसलोकेशन हेडिंग है वहां पे, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन हेडिंग है, और इसका सेकेंड पैरा आप पढ़िएगा और आंसर जाएगा डी ऑल ऑफ दीज। 146 का डी ऑल ऑफ दीज चला जाएगा। ठीक है, आप जाके ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल का लास्ट पैरा पढ़ लीजिएगा, सेकेंड पैरा। ठीक है, सेकेंड पैरा पेज 190 ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन का सेकेंड पैरा लास्ट पैरा ये पढ़ लीजिए। 146 का डी हो गया, ये आपको मैंने पैरा बता दिया, क्योंकि ये लाइन आपको मिलेगी नहीं, अगर आप मैं नहीं बताता तो आपको ढूंढना पड़ता, ये अंदर की लाइन है। 147 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एपोप्लास्टिक पाथवे। अब एपोप्लास्टिक आपको पता है, मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड सेल वॉल। आपने बोला कि सर ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, और इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये बात सही है। मूवमेंट डिपेंड्स ऑन ग्रेडियंट, मास फ्लो अकर ड्यू टू एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, दिस पाथवे प्रोवाइड्स बैरियर टू वाटर मूवमेंट। अब देखो मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, मैं पेज नंबर अभी आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले तो ये बात बिल्कुल सही है, मूवमेंट डिपेंड्स ऑन ग्रेडियंट, ठीक है, ये भी बात सही है, ग्रेडियंट होना चाहिए ज्यादा से कम। मास फ्लो अकर ड्यू टू एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी, ये भी बात सही है। दिस पाथवे प्रोवाइड्स बैरियर, ये बैरियर प्रोवाइड नहीं करता, ज्यादा पानी जाता है इसके थ्रू। अरे सेल वॉल फ्रीली परमिएबल, इंटरसेलुलर स्पेसेस तो खाली जगह ही है, तो कौन बैरियर लगाएगा, तुम ही बताओ कौन बैरियर लगाएगा। तो जब तक एपोप्लास्ट हो रहा है तब तक कोई बैरियर लगा ही नहीं रहा है, प्रोवाइड्स बैरियर। ये देखें ये लाइन्स गलत है, क्योंकि इसमें कोई बैरियर नहीं पाया जाता, तो आंसर इसका चला जाएगा 147 का डी। और मैं आपको बता दे रहा हूं, 147 पेज 185 सेकंड लाइन, पेज 185 सेकंड लाइन, पेज 185 पे, पेज 185 सेकंड लाइन पे, सेकंड लाइन पेज 185 का सेकेंड लाइन, दिस पाथवे प्रोवाइड बैरियर टू वाटर मूवमेंट, ये चीज है। ठीक है ना, तो आंसर चला जाएगा डी। चले 148 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सिंप्लास्टिक पाथवे। सिंप्लास्टिक पाथवे में कौन सी बातें इनकरेक्ट है वो पूछ रहा है। अब देखो मूवमेंट ऑफ वाटर इज रिलेटिवली स्लोअर, मूवमेंट इज डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट मे बी एडेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन रूट अकर बाई दिस पाथवे। देखना है जरा एपोप्लास्टिक वाला, जब जाके आप पढ़ेंगे ना एपोप्लास्टिक वाला 148 का डी। एपोप्लास्ट में थर्ड पैरे की पहली लाइन पेज 185 पे, एपोप्लास्ट जहां पढ़ रहे हैं ना वो देखिएगा, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो की अगर मैं बात कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो की अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो की, तो ये एपोप्लास्ट के थ्रू होता है। और यहां दिया किसके बारे में, सिंप्लास्ट, ठीक है ना, तो सिंप्लास्ट के थ्रू मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो नहीं होगा, एपोप्लास्ट के थ्रू होगा, इसलिए ये बातें गलत हो जाएंगे। तो 148 मैंने बता दिया आपको। उसके बाद 149 द मूवमेंट ऑफ वाटर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय, द मूवमेंट ऑफ वाटर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय, मैं आपको बता दे रहा हूं, सबको पता भी होगा, एक बार और मैं बता दे रहा हूं। देखो एपिडर्मिस,
कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, अब इंडोडर्मिस में आपको पता भी होगा यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप, एंडोडर्मिस और फिर पेरिसाइकिल और फिर लास्ट में जाइलम, ये तो होता है। तो ये है जाइलम, ये आपका हो जाएगा देखो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ठीक है ना। तो देखो मैं बात करूं रूट हेयर एब्जॉर्ब करेगा, तो अब देखो कौन सा हो गया, कॉर्टेक्स के बाद रूट हेयर दिया, बात गलत हो जाएगी, रूट हेयर एंडोडर्मिस दे दिया एपिडर्मिस के बाद, ये भी बात गलत है, रूट हेयर, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, ठीक है। तो आंसर चला जाएगा सी, और आपको मैं बता दे रहा हूं इसका 149 पेज 184 फिगर 11.6 पेज 184 फिगर 11.6 से ये क्वेश्चन बना हुआ है, पेज 184 फिगर 11.6 से ये क्वेश्चन बना हुआ है, वहां डायग्राम बना हुआ है, ये आप जाके देख लें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया सी आंसर चला जाएगा। अब उसके बाद 150 Which plant seeds cannot germinate and establish without the presence of mycorrhiza? देखें पेज 186, पेज 186 पहले पैरा की लास्ट लाइन, ठीक है। तो पेज 186 पहले पैरा की लास्ट लाइन, ठीक है। Which plant seeds cannot germinate and stabilize without the presence of mycorrhiza? अब देखें पेज 186 पे आप चले जाइएगा, जहां mycorrhiza वाला दिया हुआ है ना उसके बाद वाली लाइन, अब वहां पे पेज 186 पे पहले पैरा की लास्ट लाइन, फर्स्ट पैरा फर्स्ट पैरा लास्ट लाइन आप जाइएगा, वहां आंसर आपको मिलेगा पाइनस, ठीक है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर दिया है अब तक, आइए और आगे की बातें मैं बताऊं, यहां पाइनस चला जाएगा पेज 186 पे फर्स्ट पैरा लास्ट लाइन, सब देखते जाइए आप जल्दी जल्दी, फिर बाद में आप इत्मीनान से बैठिएगा वो कर लेगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ एसेंट ऑफ सैप, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं पेज 187 की पहली लाइन है, पेज 187 फर्स्ट लाइन, आंसर आएगा 15 मीटर पर आवर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ पेज 187 फर्स्ट लाइन, एनसीईआरटी फर्स्ट की पेज 187 फर्स्ट लाइन, ये आप जाके देख ले, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ एसेंट ऑफ सैप 15 मीटर पर आवर, ये आपको मिल जाएगा वहीं पे, ठीक है। उसके बाद हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर इज यूज फॉर पेज 187 सेकंड पैरा की पहली लाइन, आइए देख लिया जाए अगला क्वेश्चन हम लोग 152 हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर। देखो ऐसे तो क्लास में हम इस पे क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, एक्सप्लेन भी कर चुके हैं ये सारा, लेकिन एक बार और मैं बता दे रहा हूं कि अगर मैं बता रहा हूं हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस पेज 187, जिन लोगों को ये एनसीईआरटी में मुझे बताना है उन लोगों को बता दो पेज 187 और 187 में सेकंड पैरा की पहली लाइन, सेकंड पैरा फर्स्ट लाइन, आप जाके देखिएगा आंसर आएगा लेस देन 1% वहां दिया हुआ है, क्योंकि यहां पे 1% है तो हम आंसर लगा देंगे 1%, क्लियर हो गई बातें। तो पेज 187 सेकंड पैरा की फर्स्ट लाइन पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा 1%, और इस पे मैंने न्यूमेरिकल भी कराया होगा आपको याद होगा। चलिए 152 के बाद 152 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर विच प्रोवाइड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एबिलिटी टू रेस्ट पुलिंग फोर्स आर। अब देखो ये जो है सीधी लाइन है एनसीईआरटी की उठा के मैं आपको बता दे रहा हूं, पेज 188 पे आप देखिएगा कोहेशन एडहेशन और सरफेस टेंशन को पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी के बाद ये वाली लाइन लिखी हुई है पेज 188 पे। तो आंसर इसका क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज, तो देखो इसका आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ दीज पेज नंबर 188 पे, पेज 188 पे, 188 पे जाइएगा देखिएगा कोहेशन एडहेशन और सरफेस टेंशन तीनों को एक्सप्लेन किया हुआ है, और फिर तीनों को एक्सप्लेन करने के बाद दिया हुआ है कि ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर विच प्रोवाइड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एबिलिटी टू रेस्टेंड पुलिंग फोर्स आर।
ठीक है ना, इन तीनों को एक्सप्लेन करने के बाद ये उसके जस्ट बाद ये लाइन लिखी हुई है, तो आंसर ऑल ऑफ दीज चला जाएगा पेज नंबर 188 पे। 153 के बाद 154, द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स प्रेशर सफिशियंट टू लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर। अब देख लो, अगर इसकी मैं बात करूं, देखो आंसर तो 130 मीटर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पेज नंबर में बता दूं, पेज नंबर 188 फिगर 11.9 के ऊपर वाली लाइन है, तो पेज 188 फिगर वहां पे है 11.9 के ऊपर वाली लाइन, देखिए और आंसर क्या चला जाएगा 130 मीटर 154 का। ठीक, तो देखो फिर से मैं बता दे रहा हूं, पेज 188 है, फिगर 11.9 वहां ढूंढ लीजिएगा, उसी के ऊपर देखिएगा 130 मीटर आपको ये लाइन, एग्जैक्ट वही लाइन आपको मिल जाएगा। तो 154 मैंने बता दिया, उसके बाद 155, द कॉन्टिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम इन जाइलम इज मेंटेन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स, कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, इवापोरेशन पावर ऑफ वाटर, नन ऑफ दिस। कह रहा था कॉन्टिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम की अगर मैं बात करूं तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, देखो दो बातें आपको पढ़नी होती है, एक कौन है जो कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता है और कौन है जो रीस्टेब्लिशमेंट को मेंटेन करता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं रीस्टेब्लिशमेंट की, तो रीस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, रूट प्रेशर, और कॉन्टिन्यूटी कौन करता है, कोहेसिव। ठीक है, तो ये आप यहां पे देख ले 155 का बी, कोहेसिव मैं फिर से बता दे रहा हूं कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता है कोहेसिव, और रीस्टेब्लिशमेंट कौन कराता है, रूट प्रेशर। चलिए, सेलेक्ट इन नंबर द करेक्ट फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। कह रहा है इन नंबर द करेक्ट फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, कूल एंड लीव सरफेस 10 to 15 degree, supplies water for photosynthesis, maintains shape and structure of plant by keeping cell turgid. ठीक, आप नोट्स जाके चेक करना, सारी बातें मैं बताया हूं, हालांकि मैंने इसको आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था, मैंने बताया भी था, और ये एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन ही है जहां पे लिखा हुआ है ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ए कॉम्प्रोमाइज। ठीक है ना, वहां पे तो मैं बता दे रहा हूं पेज नंबर 189 ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ए कॉम्प्रोमाइज वहां मिल जाएगा आपको, और पांच है, पांचों के पांचों सही है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप जाइएगा ये कहां पे आपको मिलेगा, आंसर देख लें पहले, ये आंसर मिल जाएगा ये पेज नंबर 189 पे, पेज नंबर 189 वहीं पे लिखा हुआ है ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस और कॉम्प्रोमाइज वहीं पे आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे ये लाइन भी सही, 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 सब एनसीईआरटी का, तो पांचों, और पूछ रहा है करेक्ट, तो पांचों करेक्ट है, बात क्लियर हो गई। 156 के बाद 157, आयंस आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल बाय, एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी की मैं आपको बता दे रहा हूं, ये है अपटेक ऑफ मिनरल आयन की सेकेंड पैरा का फर्स्ट लाइन। ठीक है ना, पेज नंबर 189 ही है, अब टेक ऑफ देखें, पेज 189 अब टेक ऑफ मिनरल आयन सेकेंड पैरा फर्स्ट लाइन, अब जाके देखिएगा एक्टिव और पैसिव बोथ आंसर जाएगा 157 का सी। फिर से मैं बता दे रहा हूं पेज 189 अपटेक ऑफ मिनरल लाइन में सेकंड पैरा फर्स्ट लाइन 157 हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू, अब देखो पेज नंबर वही रहेगा, ठीक है ना, पेज नंबर वही रहेगा, फर्स्ट पैरा की फर्स्ट लाइन है ये, यहां पे देख लीजिएगा सारा, अब बोथ जाएगा ए एंड बी, फर्स्ट पैरा की मतलब वही अपटेक ऑफ मिनरल लाइन, फिर से मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे भी वही, अभी पिछले वाला क्वेश्चन था ना वही सब कुछ रहेगा, इसमें भी अपटेक ऑफ मिनरल आयन फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन,
और आंसर क्या जाएगा सी बोथ एंड बी. मिनरल आर चार्ज पार्टिकल एंड कैन नॉट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्टली. कॉपी में भी मैंने लिखवाया, एनसीईआरटी का भी लाइन है. देखो यार क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जब एक्टिव और पैसिव दोनों होना चाहिए तो एक्टिव क्यों हो रहा है, एक्टिव ज्यादा मेनली क्यों होता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी. और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल यूजुअली लोअर इन सॉइल देन द कंसंट्रेशन इन रूट. रूट में ज्यादा होगा सॉइल में कम, और सॉइल से रूट में जाना है तो सॉइल में कम और रूट में ज्यादा. अब देखो यूनिट एरिया में बात करते हैं हम, किसमें बात करते हैं यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया की बात करें तो सॉइल तो बहुत बड़ा है ना, वो तो मिनरल आयन उसी में से लेगा रूट, लेकिन मिनरल आयन सॉइल में यूनिट एरिया में कम होता है एज कंपेयर टू रूट, ठीक है ना. इसलिए बोथ एंड बी जाएगा आंसर. ये मैंने आपको समझाया था 158 का. अनलोडिंग अ मिनरल अकर एट द फाइन वेन इंडिंग थ्रू. अब देखें अनलोडिंग अ मिनरल अकर एट लिखा हुआ है, सुगर वाले से कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और एक्टिव अपटेक लगा देंगे. मैं बता दे रहा हूं कई लोग सुगर वाले से कंफ्यूज होकर एक्टिव अपटेक लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं अनलोडिंग अ मिनरल अकर पूछा है 159. अब 159 पेज 190 सेकंड पैरा लास्ट लाइन, मैं बता दे रहा हूं पेज 190 सेकंड पैरा लास्ट लाइन, वहां आप जाके पढ़ेगा डिफ्यूजन और एक्टिव अपटेक दोनों जाएगा और बोथ एंड बी आंसर जाएगा. पेज 190 फिर देखिए मिनरल अकर पूछा है अनलोडिंग, अगर सुगर वाला पढ़ेंगे तो एक्टिव अपटेक लगा दोगे तुरंत ही, अनलोडिंग को एक्टिव लगा दोगे. सुगर नहीं है मिनरल है, डिफ्यूजन एक्टिव दोनों हो जाएगा. मैंने आपको बता दिया पेज नंबर 190 एनसीईआरटी की सेकंड पैरा लास्ट लाइन, ठीक. 160 सिंक एंड सोर्स इन सुक्रोज ट्रांसपोर्ट मे बी रिवर्स डिपेंडिंग अपॉन. अब मैं आपको बता दे रहा हूं एग्जैक्ट लाइन है ये, फिफ्थ लाइन है पेज 190 का. देखो पेज 190 फ्लोएम ट्रांसपोर्ट हेडिंग, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जहां पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम, तो ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाला फिफ्थ लाइन पढ़िएगा, आंसर जाएगा बोथ एंड बी. प्लांट्स नीड और सीजन दोनों के अकॉर्डिंग, प्लांट्स नीड और सीजन, ठीक है. मैंने क्या बताया था मे बी रिवर्स, मतलब सोर्स सिंक के तरीके से और सिंक सोर्स के तरीके से काम करने लगे. जैसे क्या हुआ हमेशा अगर देखो तो लीफ जो है वो फूड बनाती है, रूट यूज करता है सिंक की तरीके से काम करता है, लेकिन जब पत्तियां गिर जाती हैं जैसे ऑटम और स्प्रिंग सीजन में, अगर ऑटम और स्प्रिंग सीजन की मैं बात करूं एक बार आओ एक्सप्लेन भी कर दूं ये कॉन्सेप्ट. देखो यहां हो गया आपका समर, यहां हो गया ऑटम, यहां हो गया विंटर और यहां हो गया स्प्रिंग, ठीक है. तो ऑटम में और स्प्रिंग में आपको पता है ऑटम में टेम्परेट डेसीडुअस प्लांट, कौन से प्लांट टेम्परेट डेसीडुअस प्लांट अपने पत्ते गिरा देगा, और स्प्रिंग में ट्रॉपिकल डेसीडुअस अपने पत्ते गिरा देंगे, ट्रॉपिकल डेसीडुअस अपने पत्ते गिरा देंगे. तो एक बात बताओ ऑटम में टेम्परेट डेसीडुअस अपने पत्ते गिरा रहे हैं, स्प्रिंग में ट्रॉपिकल, तो पत्ते जब गिर जाएंगे तो फूड कहां से मिलेगा, तो रूट सप्लाई करने लगता है. तो वही बोल रहे हैं सीजन और प्लांट्स की जब नीड आ जाए तब उसकी बात. तो ये मैंने आपको बता दिया इसका आंसर जाएगा बोथ, ठीक है. पेज नंबर भी मैंने आपको 160 का बता दिया, पेज 190, पेज 190 फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की फिफ्थ लाइन. अब आ जाओ 161. When sugar is added at source, the water potential of sucrose. अरे यार sugar add कर रहे हो source में तो water potential. अरे water potential क्या है? Water potential तो kinetic energy, random motion की वजह से आ रहा है. तो अगर sugar add करोगे तो वो solute हो गया ना. Solute add करोगे, free water molecule को अपने साथ bind कर लेगा, तो kinetic energy घट जाएगी, water potential घटेगा. तो sugar जब add करोगे तो घटेगा, और when sugar remove तो बढ़ेगा. अरे यार सॉल्यूट ज्यादा ऐड करोगे तो वाटर पोटेंशियल घटेगा ना, और सॉल्यूट जब निकाल लोगे तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, मूव करेंगे. जैसे मैं आपको बता दूं देखें वाटर रैंडम मोशन जितना ज्यादा करेगा,
उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल। बोलो यार। तो अगर तुमने डाल दिया इसमें सुगर, तो सुगर डाल दोगे तो रेंडम मोशन घटेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, वाटर पोटेंशियल घटेगा, आंसर क्या जाएगा? डिक्रीज 161 का। तो ये 161 बता दिया। अब आ जाओ 162। टू सेल्स ए एंड बी आर कंटिग्यूस, सेल ए है, आसान है क्वेश्चन। देखिए आपको हमने फार्मूला एक बता दिया था, डीपीडी देखो, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, आपको फार्मूला बताता है, एक्सप्लेन मैंने पूरा किया था। अब यहाँ पे पेपर डिस्कशन कर रहा हूं तो पूरा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा, मैं आपको चीजें क्वेश्चन पे ही कंसंट्रेट रहता हूं। सेल ए का ऑस्मोटिक प्रेशर है 10, टर्गर प्रेशर 7 और डीपीडी, तो देखो डीपीडी ऑफ ए कितना है? 3 atm। सेल बी है ऑस्मोटिक प्रेशर 8, टर्गर प्रेशर 3 atm एंड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट 5 atm। डीपीडी ऑफ बी कितना है? 5 atm। इट विल रिजल्ट इन, कह रहा है कि क्या होगा। अब आपको मैं बताऊं, डीपीडी और साई डब्ल्यू अपोजिट होते हैं, ठीक है ना, डीपीडी और साई डब्ल्यू अपोजिट होते हैं, और डीपीडी के अकॉर्डिंग, डीपीडी के थ्रू क्या होता है, अगर डीपीडी के अकॉर्डिंग हम देखें तो लो टू हाई मूवमेंट होता है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी 3 to 5 की तरफ मूव कर जाएगा ए टू बी, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल ए टू बी, आंसर जाएगा सी, 162 का सी चला जाएगा। अब उसके बाद वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्टिवली एब्जॉर्बिंग सेल 163, वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्टिवली एब्जॉर्बिंग सेल, एक्टिवली एब्जॉर्बिंग मतलब पानी को ले रहा है, वो पानी को ले रहा है, पानी को तभी ले रहा होगा जब वो क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा बगल वाले के कंपेरिजन में। देखो यार मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट, अगर कोई सेल पानी ले रहा है, ले रहा है अंदर, इसका मतलब ये हाइपर हो गया और ये हाइपो हो गया। तो अगर कोई एक्टिवली एब्जॉर्बिंग है मतलब ये पानी ले रहा है, तो ये हाइपरटोनिक हो गया ना, और ये हाइपोटोनिक मीडियम जो इसको पानी दे रहा है वो हाइपोटोनिक, देखो देने वाला मीडियम हमेशा हाइपोटोनिक होगा। हाइपो कैसे? हाइपो का मतलब कम, टोनिक मतलब गाढ़ापन, मतलब इसके पास सॉल्यूट कम, सॉल्यूट कम, इसके पास सॉल्यूट ज्यादा, गाढ़ापन ज्यादा है। अब एक बात बताओ, अगर ज्यादा है यहां पे सॉल्यूट ज्यादा, तो यहां पे सॉल्यूट ज्यादा, तो सॉल्यूट जब ज्यादा डाले हो तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा डालने से वाटर पोटेंशियल में तो कमी आएगी ना, जितना सॉल्यूट डालोगे वाटर पोटेंशियल में उतनी कमी आएगी, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। तो 163 का, इफ अ सेल ए विद डीपीडी 4 bar इज कनेक्टेड टू सेल बी सी डी वो जो ओपी एंड टीपी आर। अब देखो ये क्वेश्चन देखना, वही सेम क्वेश्चन है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अगर एक सेल है, इफ अ सेल ए विद डीपीडी, तो डीपीडी ऑफ ए कितना है? 4 bar, बार मतलब प्रेशर, उससे कोई मतलब नहीं है। BCD was OP and TP are respectively 4 and 4, 10 and 5 and 7 and 9. तो सबसे पहले DPD of B निकालते हैं। DPD of B की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 4 and 4, तो OP minus TP यहां करेंगे तो 4 minus 4 is equal to 0. तो DPD of B 0 आ गया। 10 and 5 C, तो DPD of C 10 OP है और TP है 5, तो यहां पे आ जाएगा 5 और एंड 7 एंड 9 बार, एंड 7 एंड 9 बार किसका है? D का, तो DPD ऑफ D, D कितना है? 7 एंड 9 बार, तो 7 OP है माइनस, देखना माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा? OP 7 है और ये, तो ये आ जाएगा माइनस 2। अब देख लो क्या कह रहा है कि ये D वाला, अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहां पे इफ ए सेल ए विद डीपीडी 4 bar इज कनेक्टेड टू सेल बी सी डी होज ओपी एंड टीपी आर रेस्पेक्टिवली, तो B के लिए 4 एंड 4 है तो इसके लिए 0 आ गया, 10 एंड 5 के लिए 5 आ गया,
सेवन एंड नाइन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके लिए माइनस टू आ गया। द फ्लो ऑफ वाटर विल बी, अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में ये है कि यहां पे आपको ये दिख रहा है कि ये तो डी सबको पानी दे देगा, डी माइनस टू है ना, तो डी सी बी ए सबको दे देगा, क्योंकि देखो पांच है, जीरो है और ये है, ठीक। अब यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला, ए एंड डी टू बी एंड सी, ए एंड डी टू बी एंड सी, ए का चार है तो ए तो दे नहीं पाएगा। अब देखो कम में किसका है, क्योंकि लो डीपीडी टू हाई डीपीडी चीजें मूव करनी है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ठीक है। तो लो डीपीडी में डीपीडी बी है, तो बी से किसको किसको जाएगा, अब आप देख लो, बी से जीरो है आ रहा है, तो बी ए को भी देगा, बी सी को भी देगा, तो बी टू ए सी एंड डी, अब यही यही पे चीजें गड़बड़ हो जा रही है, ठीक है ना, यहां पे थोड़ा सा बिगड़ रहा है कि ए सी एंड डी, डी का माइनस टू है तो इसका तो सबसे कम हो जाएगा डीपीडी, तो डी सबको देना चाहिए था, तो कोई ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि तो बी का जीरो है तो ये तो दे देगा, ए को चार है और फिर सी का पांच है, तो ए और सी को तो दे दे रहा है, बी टू ए सी एंड डी यही प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब, अब ए से डी दे रहा है फिर तो डी को दे ही नहीं पाएगा, ए से बी भी नहीं दे पाएगा, सी टू ए देख लेते हैं, सी टू ए बात सही है, सी टू ए बी एंड डी नहीं, सी बी को नहीं दे पाएगा, तो ये बात है, तो आंसर तो सी होगा, लेकिन यहां से डी हट जाए तब ये ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, तो 164 का आंसर क्या चला जाएगा, सी, ठीक है ना, लेकिन ये डी वाला थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, चलो कोई नहीं, कॉन्सेप्ट हमें पता है। ट्रांसपिरेशन लिस्ट इन, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हाई एटमॉस्फेरिक मॉइस्चरिटी, अगर सॉरी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, अगर यार एक बात बताओ, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर क्या होता है, हवा में मौजूद पानी का अमाउंट, अगर पानी हवा में मौजूद जो पानी है वो ज्यादा होगा तो लीफ से जैसे क्या होगा, देखो ये है लीफ, यहां पे स्टोमेटा, लीफ के अंदर से पानी बाहर जाना है, तो पानी यहां पे कम यहां पे ज्यादा होना चाहिए, पानी यहां पानी ज्यादा यहां कम होना चाहिए, तभी तो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा यार। अब यहां पे हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कर दिया, यहां बहुत ज्यादा पानी है तो स्लो मूवमेंट होगा, कम होगा, हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, आंसर जाएगा डी, 165 का डी चला जाएगा, ठीक है, ठीक। अब आ जाओ 166 पे, अब ऐसा सा रीजन देखते हैं, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिफ्यूजन, क्या प्रॉब्लम है इसमें, एनसीईआरटी में चले जाओ पेज 146 पे, लाइन ही लिखी हुई है नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो मैं आपको बता दे रहा हूं एनसीईआरटी पेज 146, ठीक है ना, 146 पे चले जाना। अब देखो मूवमेंट ऑफ पैसिव, पैसिव तभी तो बोलते हैं कि जब एनर्जी ना खर्च हो, आंसर जाएगा ए, पेज 146 डिफ्यूजन वाले में चले जाना, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद प्योर वाटर है ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर कंटेंट मैक्सिमम फ्री वाटर मॉलिक्यूल, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसका आंसर जो चला जाएगा वो पेज 179 पे मिल जाएगा आपको, पेज 179 हेडिंग मिलेगा आपको वाटर पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो प्योर वाटर है ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, तो ये आंसर ए चला जाएगा, ठीक। 168 वुड इज यूज्ड टू स्प्लिट रॉक बाय प्रीहिस्टोरिक मैन, इंबाइबिशन ऑफ वाटर बाय वुड इंक्रीज प्रेशर बाय स्वेलिंग हेल्प इन, बात बिल्कुल सही है, कोई सॉलिड है, सॉलिड के अंदर तुम पानी भर रहे हो तो वो फूलेगा, फूलेगा तो प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा तो वो, तो ये अगला पेज नंबर 183, ये जो है वो किस पे चला जाएगा, पेज 183 पे, 183 पे जाएगा, आंसर जाएगा ए इसका भी, ये लाइन और ये लाइन दोनों करेक्ट है। और देखो वुड इज यूज्ड टू स्प्लिट रॉक बाय प्रीहिस्टोरिक मैन, कह रहा है कि रॉक को तोड़ने में काम आता था, लकड़ियां अंदर भर देते थे लोग, पानी डालते, लकड़ियां फूल जाती थी तो रॉक को तोड़ देती थी, ठीक है, तो वो प्रेशर लगाएगा तभी तो तोड़ेगा, तो आंसर बिल्कुल सही है वो। फ्लोएम ट्रांसलोकेट अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्युबल, इनऑर्गेनिक सॉल्युबल, फ्लोएम इज कंडक्टिंग, ये जो द लिखा हुआ है ना इसको आप इग्नोर करिएगा, कंडक्टिंग टिश्यू है आप प्लांट, कंडक्टिंग टिश्यू प्लांट के अंदर दो ही होते हैं, या तो जाइलम या फ्लोएम, तो देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात कर रहा है, ऑर्गेनिक का मतलब आप समझ रहे हो फूड की बात कर रहा है, तो बात बिल्कुल सही है, ट्रांसलोकेट तो वही करेगा ना, आपने पढ़ा हुआ है ट्रांसलोकेशन क्या है,
ट्रांसलोकेशन वही है जो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू हो। बोलो, आपकी एनसीईआरटी ने यही तो बोला है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो चीजें मूव कर जाएंगे उसको बोलेंगे हम ट्रांसलोकेशन। और यहां वर्ड ही लिखा हुआ है फ्लोएम ट्रांसलोकेट, तो इस वजह से क्योंकि वो कंडक्टिंग टिश्यू है प्लांट का, तो आंसर क्या जाएगा ए, 169 का ए चला जाएगा। ठीक है, पेज 190 पे आपको मिल जाएगा ये वाला, पेज नंबर 190 पे मिल जाएगा एनसीईआरटी के। पेज 185 के थर्ड पैरा पे अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, देखो, इंडोडर्मिस इज इंपरवियस टू वाटर, इंडोडर्मिस कंटेंट बैंड ऑफ सुबेराइज मैट्रिक्स कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब देखें 170 में पेज 185 थर्ड पैरा, पेज 185 थर्ड पैरा, पेज 185 का अगर थर्ड पैरा देखो तो देखो इंडोडर्मिस इज इंपरवियस टू वाटर, मतलब इंडोडर्मिस जो है वो वाटर के लिए इंपरमिएबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास बैंड ऑफ सुबेराइज्ड, और सुबेरीन की अगर मैं बात करूं तो सुबेरीन के बारे में आप बड़े अच्छे से जानते हो कि सुबेरीन क्या होता है, इंपरमिएबल होता है जो कैस्पेरियन स्ट्रिप को बनाता है, तो आंसर चला जाएगा ए। ठीक है, पेज नंबर 185 थर्ड पैरा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जो सेक्शन ए वाला था वो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया 70 क्वेश्चन का। अब सेक्शन बी जो आपके 30 क्वेश्चन का है वो वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको चूज करना होता है, वो करना होता है, वो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने एनसीईआरटी से मैच कराई होंगी सारी चीजें, आपको बहुत ही फायदा होगा इस टाइप के डिस्कशन से, तुरंत तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट उस पे हम लोग जो बाकी के 30 है वो करते हैं। ओके, थैंक यू।